अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं ऐसो पंच नमुकारो सब पापनाशनो मंगलानंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद प्रत्यक्ष दादा भगवान ने साक्षी है वर्तमाने महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। विद्राग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योगबल जगत भर के सत पुरुषों का योगबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने के हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो निज स्वभाव से सदगुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है सूक्ष्म तमा सिद्ध परम गुरु सूक्ष्म सिद्ध परम
सत्यम निश्चय वंदे तैत्रिश कोटि देवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् जगकल्याणकाय नमे मंगलमय दो आशिषम् सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो गलती भूल को माफ़ दो व्यवहारे सद्बुद्धि हो निश्चय में अभिप्रोद दो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हे श्री पद्मावती माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोगों प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो हे श्री अम्बे माँ हे श्री भद्रकाली माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो ऐसी स्याद्वाद वाणी स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दियो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद स्वामी जी सर्वे महात्माओं से जैसे जैसे हम यह अध्यात्म विज्ञान अपने जीवन में समझने की अनुभव करने की जिस प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूं यह अध्यात्म विज्ञान को समझने के लिए जितने भी महान पुरुष हो गए उन्होंने भी आपके जैसा ही प्रयास किया था और इसीलिए प्रयास करने में शायद कमजोरी आ जाए शायद कोई कमी आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर इंसान व्यवहार सत्य से सनातन सत्य की ओर आगे बढ़ेगा तो
तो उसको समझने में, इसको उपयोग करने में, अनुभव करने में, स्टेबिलिटी लाने में समय तो लगेगा। प्लस पॉइंट यह है कि हमने इसकी शुरुआत कर दी है, ये हमारे सबके लिए ये प्लस पॉइंट है और हमारे लिए ये सद्भाग्य की बात है। तो इसीलिए कहीं महात्माओं को ऐसा लगता है, कहीं साइंटिस्टों को ऐसा लगता है कि शायद हम ये विज्ञान को अभी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, या तो इनका सही तरह उपयोग नहीं कर सकते हैं, या तो हम इसको अनुभव के लेवल पे जो होना चाहिए उस लेवल का हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है और यही मुक्ति का मार्ग है। जब हमने अज्ञानता को परिपक्व करने के लिए हजारों लाखों अवतार बिताए हैं, तो ये विज्ञान समझने के लिए, उपयोग करके अनुभव करने के लिए भी समय तो लगेगा, मगर सही रास्ते पर, पहले सही रास्ते की जानकारी मिली, सही रास्ते पर चल रहे हैं और धीरे धीरे अनुभव भी कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बड़े सद्भाग्य की बात है। और यही प्रयास से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते ही रहेंगे। तो बात ये नहीं है कि आप लोग ये विज्ञान कितना समझ पाए हैं, कितना उपयोग कर पाए, कितना अनुभव कर पाए, मगर आपका जो प्रयास है वो बहुत बड़ी बात है। आज इतने बड़े विश्व के अंदर जहां धर्मों की, धार्मिक सत्य की, क्रियाकांड की, फॉर्मेट की और मन वचन काया से जो कुछ भी होता है उसको पुरुषार्थ करने की, पुरुषार्थ समझने की पूरे विश्व के अंदर सभी धर्मों में होड़ लगी हुई है। और ऐसे माहौल के अंदर हम सब एज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट अगर मन वचन काया की प्रत्येक क्रिया को और मन वचन काया के प्रत्येक अनुभव को, मन वचन काया के प्रत्येक भुगतान को और हमारे पांच इंद्रियों से अनुभव में आते पूरे विश्व को जब हम कुदरती रचना के रूप में देखने का प्रयास करते हैं, तो ये बात ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन में टर्निंग पॉइंट लेता है तो टर्निंग पॉइंट तो समय पे, संजोग पे मार खाने के बाद आ जाता है, मगर उस टर्निंग पॉइंट के बाद उसके ऊपर स्टेबल रहने के लिए थोड़ा समय लगता है, प्रयास भी करना पड़ता है, कठिनाइयां भी महसूस होती है। और इसीलिए हम ये मानने की जरूरत नहीं है कि हम इस विज्ञान को सही तरह नहीं समझ सकते हैं, या तो उपयोग करके अनुभव नहीं कर सकते, उसके लिए वो नेगेटिव सोच की जरूरत नहीं है। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और हम रिलेटिव सत्य से सनातन सत्य की ओर जा रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर से रिलेटिव सत्य की जो मान्यता है वो अपने आप को बचाने की तो कोशिश करेंगे ही, मगर हमको सनातन सत्य की दृष्टि को परिपक्व करना है, अपनी दृष्टि को रिलेटिव सत्य से सनातन सत्य की ओर मोड़ना है। तो इसीलिए शुरू शुरू में दिक्कतें आएगी, डिफिकल्टी आएगी, मगर फिर भी एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि हम इस विश्व के अंदर सनातन सत्य के मार्ग पे, कुदरती कानून के बताए हुए मार्ग पे, जो मार्ग के ऊपर रामकृष्ण महावीर चले हैं, जो मार्ग के ऊपर अनंत अनुभवी ज्ञानी चले हैं, उसी मार्ग पे हम चल रहे हैं,
चलने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, वो ही हमारे सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां या सिद्धि है। तो इसीलिए आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और डीप से और गौर से समझने की कोशिश करें और अपने प्रश्नों के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन में आगे बढ़े। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। बोलो रमेश भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, नमस्कार, दंडवत प्रणाम। हाँ जय सच्चिदानंद, बोलिए। धन्य से आपने अनुभव दशा ने नमस्कार अमारा। हवे आपे हमणा सब કીધું કે આખું જગત પુરુષાર્થ સમજવા માટે મતી રહી છે, અને આના આગળના ભાગમાં પણ તમે પુરુષાર્થ અને ભાવ વિશે સમજાવતા, એમાં એક ઇંગ્લિશ શબ્દ તમે બોલ્યા હતા ફ્રીડમ, એટલે એ ફ્રીડમ નો અર્થ શું થાય એ પેલા મને સમજાવો, પછી આગળ પ્રશ્ન આવે। નહીં, ફ્રીડમ શબ્દ કા જો મેને ઇસ્તેમાલ કિયા થા, પૂરા સેન્ટેન્સ ક્યાં થા વો બતાઈએ। આપણે એવું કીધું પુરુષાર્થ એટલે ફ્રીડમ, એવું એવું બોલ્યા હતા પુરુષાર્થ। હા બસ બસ બસ, બરાબર બરાબર, કોઈ વાત નહીં। મતલબ મન વચન કાયા હૈ ઉસમે કોઈ ભી પ્રકાર કી ફ્રીડમ ઇસ દુનિયા મે પેદે હુઆ વ્યક્તિ કે પાસ કુદરત ને દિયા નહીં હૈ। और इसीलिए मन वचन काया से जो कुछ भी करते हैं इसको पुरुषार्थ मानना वो ही अज्ञानता है। और सच्चा पुरुषार्थ दृष्टि से होता है, भाव से होता है, और वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा या तो लाइव ईगो करता है। वो दृष्टि का विषय है, वो मन वचन काया का विषय नहीं है। तो पुरुषार्थ का मतलब होता है हमारी फ्रीडम, और परिणाम का मतलब होता है हमारी परतंत्रता। पुरुषार्थ का मतलब होता है हमारी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अंदर हम जो चाहे वो पुरुषार्थ कर सकते हैं। मन वचन काया जो परतंत्र है वो हमारी मर्जी से काम नहीं करता है, तो उसमें फ्रीडम है नहीं, तो पुरुषार्थ भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं? आप सबको ठीक सुनाई देता है ना? जय श्री राम स्वामी जी। मेरा क्वेश्चन है स्वामी जी कि जैसे कि कुदरती रचना जो है, जो भी कुदरती रचना हम बोलते हैं नेचुरल नेचर की, अननेचुरल नेचर की, तो उसका जो है उसका बेस है वो तो कुदरती कानून के हिसाब से कुदरती रचना होती है। बराबर। उसके पीछे का जो है कुदरती कानून पहले आता है, वो कुदरती कानून के हिसाब उसको ये हिसाब से कुदरती। हाँ हाँ, बस यही मुझे थोड़ा, हाँ ये जानना था कि उसका बेस तो यही है ना, कुदरती कानून के हिसाब से ही कुदरती रचना जो दिखती है उसका जो है मेन बेस है वो कुदरती कानून है, फिर वो नेचुरल नेचर हो या अननेचुरल नेचर हो, बस यही पूछना था स्वामी जी। कुदरती कानून बराबर है। हाँ कुदरती, हाँ प्रश्न क्या है? कुदरती कानून वही है, सिर्फ जानना था स्वामी जी कि उस बेस तो वही है ना, उसके हिसाब से ये कुदरती रचना होती है ऐसे। हाँ मगर कुदरती कानून जो काम करता है वो आपके कर्म जो होते हैं वो कर्म को न्याय देने का काम करते हैं। हाँ हाँ बराबर है स्वामी जी। दे गिव यू द जस्टिस टू यू कि आपने जो किया है उसका फल क्या देंगे, वो कानून के मुताबिक देंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए दुनिया के अंदर मैंने कहा जिन्होंने कर्म बंद किया है तो फिर भुगतान तो आएगा, वो
उसको माने या ना माने, या ना माने, बराबर है, सही बात है स्वामी जी। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो कर्म किया है वो कुदरत कानून के मुताबिक इसका हमको रिजल्ट देंगे देंगे। हाँ, तो कानून रिजल्ट के लिए होता है, कानून अपनी मर्जी के मुताबिक संजोग बनाने के लिए नहीं है। बराबर स्वामी, समझ में आया? हाँ हाँ समझ में। जैसे जैसे भारत, जैसे भारत देश का संविधान है उसमें कानून बनाए गए हैं, ये कानून की ये सजा, ये कानून को ब्रेक किया है तो ये सजा, ये कानून के हिसाब से आपको ये सजा मिलेगी, ये कानून के हिसाब से आपको ये सजा मिलेगी। तो ये कानून बनाया है, मगर कानून इसीलिए बनाया है कि अगर आप इस कानून के मुताबिक कर्म करोगे तो आपको फल इसी के कानून के मुताबिक मिलेगा मिलेगा। बराबर, तो कानून खुद सजा नहीं देती है, नहीं वो खुद नहीं देगी सजा, मगर फल कितना लगता है आपको इस प्रकार की गलती व्यवहार में करना पड़ेगा, फिर कानून वो गलती के कानून के मुताबिक आपको सजा देंगे। हाँ, मगर मेरे ख्याल से इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो कानून बनाते हैं वो मेन मेड होता है, और यहाँ पर जो है कुदरत का कानून है वो साइंटिफिकली रन होता है, ऐसा मुझे लगता है स्वामी जी। हाँ, इसीलिए कानून कानून में तो फर्क है। यहाँ भारतवर्ष के अंदर जब देश चलाने का कानून होता है, समाज चलाने का कानून होता है, धर्म चलाने का कानून होता है, वो सभी प्रकार का कानून मेन मेड होता है। मनुष्य अपने संजोगों के मुताबिक, परिस्थितियों के मुताबिक कानून बनाते रहते हैं और कानून में परिवर्तन भी करते हैं, अपग्रेड डाउनग्रेड भी करते हैं, इरेज भी करते हैं, प्लस भी करते हैं। मगर ये किसकी आवाज आती है? यहाँ से नहीं है स्वामी जी, किसी का मेरे ख्याल से। हाँ, हेलो, किसी का? संगीता बेन, आपका टर्न नहीं है अभी, आप, मैं बोलूंगी आपको। अच्छा ठीक है, इसको म्यूट करके रखो, एडवांस मत ओपन कर दो। एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि कानून वो न्याय देने का काम करते हैं, और जो कुदरत का कानून है वो नेचर मेड है। नेचर मेड इसीलिए है, इट इज नॉट कनेक्टेड विद द सोसाइटी, इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर रिलीजन, इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर कंट्री, इट इज एप्लीकेबल फॉर द होल यूनिवर्स, वेयर यू आर इट इज एप्लीकेबल। और स्वामी जी इसको नेचर मेड तो यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ बोलेंगे, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ बोलेंगे, सामाजिक धार्मिक और कंट्री वाइज का कानून नहीं है। बराबर है स्वामी, और इसको नेचुरल, ये नेचर मेड भी बोल सकते हैं, और उसको ये साइंटिफिक भी बोल सकते हैं ना स्वामी जी इसको। हाँ, साइंटिफिक है, मगर साइंटिफिक लॉ को मतलब होता है नेचुरल लॉ, मतलब है कुदरती कानून। हाँ हाँ, और किसी ने बनाया, जो कोई व्यक्ति नहीं बनाते इसको बट नेचुरल बोलते है। क्या बोलते हैं? बट नेचुरल बोलते हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ने बनाया हो तो कहेंगे कि ये व्यक्ति ने ये बनाया है। हाँ, मगर जो चीज इंसान ने नहीं बनाई है उसको कहते हैं बट नेचुरल। हाँ, अथवा तो इसको नेचुरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल बोलते हैं स्वामी जी। और स्वामी जी, और इसीलिए उसको नेचुरल लॉ बताया, कुदरती कानून। हाँ स्वामी जी, एक दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ मैं? यस। हाँ, ये जैसे कि ये डेवलपमेंट की बात होती है, हम डेवलपमेंट लेके जाते, कैरी फॉरवर्ड करते हैं स्वामी जी, बराबर है? डेवलपमेंट का जो इस्तेमाल करता है वो प्रतिष्ठित आत्मा करता है, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा करता है, बराबर है? मगर जब कैरी फॉरवर्ड होता है वो डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट मेरे ख्याल से वो विजन में रहता है ना स्वामी जी, दृष्टि में होता है ना वो, बराबर है वो। हाँ, डिस्चार्ज नहीं होता, यानी दृष्टि में रहता है वो, और कैरी फॉरवर्ड होता है, और जब भी जैसे, उसका संजोग, जैसे हमने
मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोनीय कर्म का उपयोग करके कर्म बनाए। बराबर है। तो कर्म बनाए, तो कर्म बनाने की प्रक्रिया भी बनी मन बुद्धि चित्त अहंकार में, और बीच और एक्शन का बीज भी बना। हाँ, मगर ये छह चीज नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज हो गए और ज्ञानावर दर्शनान मोनी कर्म तक वही का वही रहा। बराबर है। जैसे यहाँ अज्ञान डिस्चार्ज नहीं हुआ, वैसे यहाँ डेवलपमेंट भी डिस्चार्ज नहीं हुआ। हाँ, तो जैसे घाती कर्म है होते हैं उसका एक अलग जो है, वैसे ही डेवलपमेंट का भी है ना स्वामी जी। हाँ, तो घाती कर्म को कम करना, एक मिनट, घाती कर्म को कम करना डेवलपमेंट को बढ़ाना, डेवलपमेंट को कम करना घाती कर्म को बढ़ाना। हाँ हाँ हाँ, डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होता है। मगर मेरा यही कहना है कि घाती कर्म जो है वो कैसे है कि मतलब वो इसके रूप में है ना, गाढ़ हो गए हैं और उसके बेसिस पे अघाती कर्म पूरे बनते हैं। वैसे ये जो डेवलप वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, उसके बेस पे अघाती कर्म होते हैं और ये जो है अपना जो डेवलपमेंट है वो भी दृष्टि में ही रहता है, वो प्रतिष्ठित आत्मा में नहीं जाता, मगर प्रतिष्ठित आत्मा हमेशा उसका उपयोग करता है। और घाती कर्म है वो आपके अज्ञान को लागू होता है। बराबर है, बराबर है स्वामी जी, समझ में आ गया एकदम। बराबर, जय श्री जयंत स्वामी जी। तो जैसे जैसे अज्ञान कम होगा वैसे वैसे आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा। अभी संगीता बेन आपका अनम्यूट करो। हेलो, यस स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ स्वामी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये समझना चाहती हूँ कि हम अपनी वाणी पे संयम नहीं रख पाते तो हमें ये लगता है कि हमें मौन रहना चाहिए। जितना हम मौन रहेंगे उतना हमारी शक्ति अपनी आत्मा में, अब हमारा उपयोग अपनी आत्मा में रहना चाहिए। और ज्यादा बोलने से हमारी शक्ति भी बाहर बहती है और ज्यादा बोलने से हमारा अपमान भी बहुत होता है। हम अपने आप को चुप रखने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हम अपने आप को चुप नहीं रख पाते। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? लेकिन आप बताते हैं कि वाणी तो कुदरत के मन वचन काया तो कुदरत के अधीन है, लेकिन इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि हम बोलते रहेंगे और हमारा अपमान होता रहेगा, बोलते रहेंगे अपमान होता रहेगा, तो ऐसे सारा जीवन ऐसे चलता रहेगा। अभी उत्तर देने की शुरुआत करूं? हां जी। ओके, सबसे पहली बात है, मैंने कहा मन वचन काया वो तो कुदरती रचना है, और दादा भगवान ने ये भी कहा है कि मन वचन काया वाणी वो टेप रिकॉर्ड है, वो भी कहा है, शायद आपने सुना होगा। हाँ जी, सुना है कि नहीं सुना है? हाँ जी सुना है। वाणी टेप रिकॉर्ड है वो सेंटेंस सुना है कि नहीं? सुना है। ओके, तो ये भी उन्होंने कहा कि टैप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैप रिकॉर्ड, मतलब जो हमने पहले रिकॉर्ड किया है पूर्व लाइफ में तो वो ही अभी वाणी के रूप में निकल रहा है। हाँ, फिर इसमें कोई आपको डाउट है? नहीं, डाउट नहीं है, लेकिन बस मैं थोड़ा यही समझना चाहती हूँ कि मतलब मेरे को हर बार हर पल यही लगता है कि हमें मतलब मौन रहना चाहिए लेकिन मैं खुद को मौन नहीं रख पाती हूँ। इसमें मुझे बहुत दुख होता है अपने आप को अंदर से, ये मैं थोड़ा समझना चाहती हूँ। लोगों ने कहा कि महाभारत क्यों हुआ, क्योंकि द्रौपदी ने कहा कि अंधे के लड़के अंधे ही होते हैं, उसे महाभारत हुआ, ऐसा आपने सुना होगा। हाँ जी सुना है। और ये भी सुना होगा कि द्रौपदी का चिरहरण हुआ
और उसके बालों उसने लोही के अंदर लगा दिया, क्या कहते हैं उसको नहीं मालूम मेरे को सेंटेंस के हिसाब से, और इसीलिए पांडव जो है वो बहुत क्रोधित हुए थे। तो यहां उनकी जबान और यहां उनका एक्शन, तुम तो पांच पति की पत्नी हो इसलिए तुम उल्टा हो, ऐसा भी कहा था, आपको मालूम है महाभारत में? हाँ जी हाँ। तो ये उन्होंने उल्टा कहा और उन्होंने अंधा कहा, तो ये महाभारत होने के लिए कहा या अपनी मर्जी से बोला? महाभारत होने के लिए नहीं कहा था, फिर भी हुआ? हाँ जी हुआ, फिर भी हुआ। तो ये बिना बोले हुआ? हाँ महाभारत बोला तभी हुआ। शब्द निमित्त नहीं बना? हाँ शब्द निमित्त बने, शब्द निमित्त बने। तो आपने तो मना कर दिया, आपने तो मना किया ना। नहीं शब्द तो मना कर दिया ना। नहीं महाभारत इसीलिए हुआ कि शब्द निमित्त बने। हाँ तो शब्द की वैल्यू हुई कि नहीं हुई? हाँ जी हुई। दोनों पक्ष की बात करता हूं, तो दोनों में किसके पास कंट्रोल था? कंट्रोल तो किसी के पास भी नहीं था, मगर आपको कंट्रोल चाहिए, बराबर है ना, ये प्रश्न है आपका? हाँ नहीं इसलिए चाहिए ना कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल इसलिए, वो तो मैं आपकी बात समझ गई कि आप ये कहना चाहते हैं कि उनके पास निमित्त तो बने शब्द, लेकिन उनके पास भी कंट्रोल नहीं था, युद्ध होना भी पूर्व मतलब डिसाइडेड था, लेकिन ये अगर हम इसी तरह बोलते रहे तो अपमान होता रहेगा। अब कई बार ऐसा होता है, एक बार चलो इग्नोर कर दिया, दूसरी बार इग्नोर कर दिया, तीसरी बार इग्नोर कर दिया, फिर चौथी बार में तो इतना अपमान कौन सहेगा, फिर चौथी बार में तो गुस्सा आ जाता है, फिर चौथी बार में तो गुस्सा आ ही जाता है, तो इसलिए मैंने ये मैं सब पूछना चाहती हूँ। नहीं गुस्सा आने की बात तो बराबर है, मगर गुस्सा तो इतना तो नहीं आता ना कि महाभारत तक पहुंच जाता है। नहीं इतना नहीं, तो कम से कम नहीं आता है, तो यू आर गुड बेटर देन वो पीपल के हिसाब से आप बेटर हो। अच्छा स्वामी जी ऐसा हो सकता है कि हमारे को कोई कितना भी दुख दे, कितना भी अपमान करे, लेकिन हमें गुस्सा ना आए, ऐसा? नहीं मैं आगे तो आगे आपको बता रहा हूँ, पहले मैंने आपको एक बिलीप के ऊपर बात किया, एक बिलीप के ऊपर, सिर्फ स्पीच के ऊपर बात किया, अभी आगे की बात बाकी है, अभी आंसर कम्प्लीट नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ स्पीच के ऊपर बोला स्पीच, क्योंकि वो टैप रिकॉर्ड है और कुदरती रचना है, वो कन्विंस करने के लिए मैंने आपको एग्जांपल देने की कोशिश किया, अभी आगे का उत्तर बाकी है कनेक्टेड विद दिस क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये कि आपने कहा कि मैंने ऐसा बोला और बार बार बोलते मेरे गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, मैं चुप रहने की कोशिश करती हूँ, नहीं होता है, और फिर झगड़ा हो जाता है, ये सब आपने जो आपकी परिस्थिति का जो वर्णन किया है, ये प्रकृति का है या परमात्मा का है? ये प्रकृति का। और प्रकृति का कंट्रोलर कौन है? कुदरत। और तुमको कंट्रोल चाहिए? वेर इज योर क्वेश्चन? नहीं मुझ कंट्रोल तो मुझे नहीं, कंट्रोल तो नहीं हम कर सकते। फिर क्या चाहिए आपको? वेरी इज योर क्वेश्चन नाउ? नहीं तो इससे फिर मतलब यही होता रहेगा, मतलब नहीं, आपका प्रश्न एक्सप्लेनेशन के बाद कहाँ खड़ा है? कैन यू टेल मी प्लीज? नहीं मैं ये व्यवहार में तो जैसे कहते हैं ना साधु संत लोग भी कहते हैं कि हमें अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए, हित मित प्रिय वचन बोलना चाहिए, तो जब सब कुछ पहले से ही प्री डिसाइडेड है तो फिर ये हितमित प्रिय वचन बोलने की बात कहां से आ जाती है, जब सब कुछ पहले से तो निश्चित है,
तो हमें कम बोलना चाहिए, हमें हित मित प्रिय, हमें हित मित जानते हैं, हमें हित मित प्रिय वचन बोलना चाहिए, मृदु रिजु भाषा बोलनी चाहिए, तो मृदु रिजु भाषा बोलनी चाहिए, हित मित प्रिय वचन बोलना चाहिए, हमें कोई कैसा भी दुख सुख दे वो हमारे कर्म का फल हमें मिलता है, हमें समता परिणाम रखने चाहिए, तो ये सब बातें कहाँ से आई जब सब कुछ पहले से ही प्री डिसाइडेड है, जब सब कुछ पहले से ही निश्चित है। उतर दूं अभी? हाँ जी। ओके। देखो शिक्षा और कर्म फल दोनों अलग बातें। क्या बताया मैंने? शिक्षा और कर्म फल दोनों अलग बातें हैं। शिक्षा एक सिद्धांत के ऊपर कहो, मानवता के बेस पर कहो, ऐसी ही शिक्षा चाहे साधु संत सन्यासी है, चाहे समाज के वडिल है, चाहे शिक्षक है, चाहे प्रोफेसर है, चाहे गुरु है, शिक्षा तो बच्चे को सही ही देनी चाहिए, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। जैसे सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, परिग्रह ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, वो तो शिक्षा देंगे ही, यस और नो? हाँ जी, यस। तो शिक्षा देना वो शिक्षक का काम है, टीचर का काम है और समाज के वडिलों का काम है, मगर उसका कर्म जो होता है वो पिछले अवतार के कर्मों के बीज के आधार से कर्म फल है, उसमें रामकृष्ण महावीर का भी चलता नहीं है। तो आपने शिक्षा और कर्म फल दोनों को जोड़ दिया, इसीलिए पजल हुआ। आप आपके बच्चे को कहेंगे कि झूठ बोलना चाहिए, हाँ के ना बोलो? नहीं, झूठ नहीं कहेंगे। नहीं कहोगे? आप ऐसा गारंटी देते हो कि आपने कभी जिंदगी में अनेक नहीं बोला है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, बहुत बार बोला है। झूठ बहुत बार बोला है वो भी मालूम है, और बच्चे को शिक्षा देना झूठ नहीं बोलना चाहिए वो भी मालूम है। हाँ, तो दोनों मालूम है, फिर प्रश्न कहाँ खड़ा है? फिर प्रश्न कहाँ खड़ा है आपका? मतलब ये है कि जो कुछ भी हो रहा है, हो रहा है, जो मन में बार बार ये बात आती है कि चुप रहना चाहिए, हमें मौन रहना चाहिए, तो वो चीज जब अपने कंट्रोल में नहीं है तो फिर कोई अपमान करे तो करता रहे, फिर हमें मतलब उसमें हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। देखो जितना भी देहाध्यास यानी शरीर के प्रति अपना मालिक की भाव और शरीर को चलाने वाले मैं हूं ऐसा करता भाव, ये आपके विजन में जहां तक लाइव रहेगा वहां तक आपके जीवन में पजल तो होता ही रहेगा, और आपके विजन में से लाइव विजन में से ये दो बातों को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा कि मैं मन वचन काया नहीं हूं, नंबर वन, एंड नंबर टू, मैं मन वचन काया को चलाने वाली नहीं हूं। ये दोनों बात आपको विजन में सेट करना पड़ेगा, उसी से परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। मगर आप कहोगे कि मन वचन काया मैं हूं और उसको चलाने वाले मैं हूं, तो फिर तो पजल रहेगा ही। या तो सिद्धांत को मानो या श्रद्धा को मानो, दोनों साथ में नहीं चलेगा। अगर श्रद्धा को मानना है तो यू फॉलो द रिलीजन, और सिद्धांत को मानना है यू फॉलो द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है स्वामी जी, समझ में आया? हाँ जी, समझ में आ गया। मैंने आपके प्रश्न को
विस्तृतता से और सिद्धांत को ध्यान में रखकर जवाब देने की कोशिश किया है। हाँ जी। मैंने कोई जगह गोल गोल बात नहीं किया और आपको फ्रीडम भी दिया, यू फॉलो द फॉर्मेट और यू फॉलो द प्रिंसिपल। फॉर्मेट मीन्स यू फॉलो द रिलीजन, प्रिंसिपल मीन्स यू फॉलो द लॉ ऑफ नेचर। दिस इज योर चॉइस, सिलेक्ट एनीवन। ठीक है स्वामी जी, मैं समझ गए। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और कुछ प्रश्न नहीं है ना? अंजुबेन स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी वैसे तो क्वेश्चन जो मेरा था वो सॉल्व हो गया है। नैना बहन ने जो डेवलपमेंट पे पूछा कि डेवलपमेंट दृष्टि में है। okay. और जो क्लैरिटी चाहिए थी वो यही चाहिए थी कि जो आज हम ये साइंटिफिक विजन का उपयोग कर रहे हैं सनातन सत्य समझ के, और वो एक एक जगह ऐसी भी आती है कि जब हम ये विजन का प्रयोग कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो रिलेटिव सत्य बताने वाला भाग भी रहता है, तो वो कौन सा कहाँ से आता है, वो कौन सी जगह के वो डेवलपमेंट जो हम लेके आए हैं, जो पहले से हमारे पास है अज्ञान का, जो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन जो है हमारे दृष्टि में, वो हमको रिलेटिव सत्य बताता है, व्यवहार सत्य की बात बताता है, और फिर उसके बाद हम ये जो अभी सनातन सत्य समझे हैं उसका उपयोग करते हैं कि नहीं, जो कुछ हुआ है उसमें कोई भी स्वतंत्र करता नहीं है, सब कुदरती रचना है टोटली ए टू जेड, चाहे ये मेरे मनोचन काया है फाइल नंबर वन है, चाहे सामने वाला है, चाहे कोई और भी है, कोई भी है, तो कुदरती रचना ही है, उसको फिर हम सेट करते हैं। तो ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रकृति जो छह तत्व हम ले की प्रकृति हम जो लेके आए मन वचन काया जो डिस्चार्ज हो रही है वो बताती है अज्ञान के डेवलपमेंट में से आता है कि क्या, थोड़ा सा मुझे ऐसे हो गया था तो मैं पूछना चाहती थी। आप क्वेश्चन समझ पाए स्वामी जी मेरा? नहीं, मैं आपकी बात सुनी मगर आप अज्ञान और डेवलपमेंट का मीनिंग नहीं समझा। मैं आपने दोनों शब्द साथ में बताया, इसीलिए आई एम कंफ्यूज व्हाई यू यूज द टू वर्ड्स एट अ टाइम। हां स्वामी जी, अज्ञान इज अ डिफरेंट थिंग एंड द डेवलपमेंट इज डिफरेंट थिंग। ओके, और आपने दोनों शब्द साथ में बोला तो वो समझ में नहीं आया मेरे को। हां स्वामी जी, शायद मैं एक्सप्लेन सही से नहीं कर पाई, मैं दोबारा बोलती हूं। तो स्वामी जी मेरे को ये कंफ्यूजन रहता है, जो एक जगह अज्ञान खड़ा, आज तो जो अभिजन उसका तो हम प्रयोग कर रहे हैं, वो तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमको विज्ञान समझ में आ रहा है, उसका हम उपयोग भी कर रहे हैं, उससे हमें निराकुलता भी रहती है और जुदापना, मतलब सब कुछ सेट हो गया है। पर जो एक अज्ञान जो रिलेटिव सत्य जो खड़ा होता है, जो एक बार हमें बताता है कि ये ऐसे क्यों किया इसने, ऐसे क्यों हुआ ये, तो उसको फिर हम सेट करते हैं बाद में कि ये कुदरती रचना है, पहले से जो लेके आए हैं वो ही निकला है, डिस्चार्ज भाग है, इसमें किसी की नहीं चलती है। वो किस जगह पे होता है, कहाँ पर होता है, वो मुझे जानना था, वो क्या कहाँ पर है, वो अज्ञान कहाँ है वो जानना है आपको, क्या जानना है अज्ञान क्या कहाँ है वो जानना है, डेवलपमेंट कहाँ है वो जानना है, पुरुषार्थ कहाँ है वो जानना है, आपको क्या जानना है? पुरुषार्थ तो स्वामी जी प्रतिष्ठित आत्मा में है, पुरुषार्थ प्रकृति है जो वो भुगतान करती है, प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो है। तो अज्ञान कहाँ पर रहता है, वो डेवलपमेंट जो लेके आए उसमें है, कहाँ पर है अज्ञान, अज्ञान जो हमें खड़ा होता है वो कहाँ पर है अज्ञान? आप अज्ञान आप लेकर आए है और डेवलपमेंट भी लेकर आए है। मैंने पहले प्रश्न का उत्तर जो बहन को दिया था, नैना बहन को, उसमें मैंने कहा था कि जितना अज्ञान है, जैसे 100% है, अगर आपके पास 80% अज्ञान है मीन्स 20% आपका डेवलपमेंट है, अगर 20% अज्ञान है तो आपका 80% डेवलपमेंट है। और दोनों आपकी दृष्टि में, डेवलपमेंट भी आपकी दृष्टि में और अज्ञान भी आपकी दृष्टि में है,
और अगर डेवलपमेंट का यूज नहीं करेंगे तो अज्ञान का यूज होगा, अगर डेवलपमेंट का यूज करें तो अज्ञान खत्म हो जाएगा। हाँ स्वामी जी, दोनों चीज दृष्टि में है, मैं समझ गई, आपने सही बता दिया, दोनों दृष्टि में है। दृष्टि में है दोनों चीज। और जो अज्ञानी लोग अज्ञान का ही उपयोग करते हैं, और ज्ञानी लोग साइंटिस्ट वो साइंस का उपयोग करते हैं, जो है उसका उपयोग करते हैं, नहीं है तो कैसे उपयोग करेंगे। और हमारी अवस्था अगर आपके पास ये विज्ञान नहीं था, उस समय आपका पुरुषार्थ क्या था? टोटली अज्ञान था स्वामी जी, टोटली अज्ञान था। अज्ञान का उपयोग करते थे? हाँ जी स्वामी जी, करते थे। अभी विज्ञान मिला तो विज्ञान का करते हैं, और जब विज्ञान का उपयोग नहीं करेंगे तो अज्ञान का उपयोग है ही फिर, वो तो है ही। हाँ जी स्वामी जी, हाँ समझ में आया स्वामी जी। दोनों है आपके पास, दोनों है, अज्ञान भी है और डेवलपमेंट भी है। अभी आपको क्या उपयोग करना है वो आपकी जागृति के ऊपर डिपेंड है, इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। आप उस समय किसकी वैल्यू करते हैं, अवस्था की करते हैं, विज्ञान की करते हैं, किसकी करते हैं, उसके ऊपर आधारित है। उसके आधार से अब हमारा नया डेवलपमेंट हो रहा है, नया डेवलपमेंट नहीं, नया पुरुषार्थ हो रहा है। फिर पुरुषार्थ के अंदर अज्ञान नाश भी हो सकता है और डेवलपमेंट बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया स्वामी जी, दोनों चीज दृष्टि में है। विज्ञान को अवस्था में एज इट इज उपयोग करोगे तो संयोग तो खत्म हो जाएगा, वो तो कुदरती रचना है, मगर संयोग के साथ जो अज्ञान पक्का होने वाला था वो अभी नहीं होगा, क्योंकि आपने विज्ञान का यूज कर लिया। हाँ जी स्वामी जी, और अज्ञान है वो कमजोर हो गया। हाँ जी स्वामी जी, अब हम जो कर्म फल लेकर आए वो तो कंपलसरी डिस्चार्ज है, उसमें की आपके पास ऑप्शन नहीं है। नहीं है स्वामी जी, ऑप्शन नहीं है, वो हमको अच्छे से आपको विज्ञान उपयोग करना है या अज्ञान करना है, वहीं आपके पास ऑप्शन है। हाँ जी स्वामी जी, अगर विज्ञान का उपयोग किया तो फिर अज्ञान अपने आप माइंड हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं रही। ऐसे नहीं करते जाओगे अपना अज्ञान अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि आधार देने वाले तो आप है ना स्वामी जी। बीच में आपने अज्ञान को आधार नहीं दिया तो धीरे 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 खत्म हो जाएगा। स्वामी जी आपका थोड़ा सा सुन नहीं पाए, बीच में ना कॉल आ गई थी, सॉरी स्वामी जी। आपने जो दो सेंटेंस में आपके सुन नहीं पाई वो जो आप, मैंने सिंपल कहा कि अज्ञान और विज्ञान, अज्ञान आप लेकर आए हैं आपके पास स्टॉक में है, और विज्ञान की दृष्टि आपको मिली है, तो आपके पास अभी दो ऑप्शन है, कोई भी संयोग में विज्ञान का उपयोग करना या अज्ञान इज इक्वल टू रिलेटिव सत्य का उपयोग करना। ठीक है? हाँ जी स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी। अभी आप रिलेटिव सत्य का उपयोग करेंगे तो कर्म तो बनेगा और अज्ञान भी बढ़ेगा, डेवलपमेंट नहीं बढ़ेगा। हाँ जी स्वामी जी, मगर आपने विज्ञान का उपयोग किया तो नए कर्म तो संसारी नहीं बनेंगे और अज्ञान भी माइल्ड हो जाएगा। हाँ जी स्वामी जी, यही पुरुषार्थ है स्वामी जी, बस यही पुरुषार्थ है। हाँ जी स्वामी, हमारे आध्यात्म विज्ञान में मन वचन काया की कोई भी क्रिया को न पुरुष मानते हैं, न मनवाते हैं, और न ही कोई क्रिया कांड के पुरुषार्थ की हम बात करते हैं। हाँ जी स्वामी जी, समझ गया। तो सब्जेक्ट है स्वामी जी, ऐसा हो सकता है कि कोई जीव पीछे से भी ये डेवलपमेंट अध्यात्म दृष्टि का लेके आया हो, ये सनातन सत्य का, और वो भी हेल्पफुल हो सकता है आज हमें, ऐसा हो सकता है स्वामी जी? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? जैसे आपका है स्वामी जी, आप पीछे से ये डेवलपमेंट लेके आए हो। मैं लेकर आया हूँ आप बोल सकते हैं, मगर मैं कहता हूँ आप सब भी लेकर आए हो, तभी तो आपको सुनने का संयोग मिला।
तो संजोग कैसे मिलेगा? अगर संजोग नहीं लाए तो मिलेगा कैसे? नहीं स्वामी जी, ये भी तो आप लेकर आए हैं ना, कुछ तो डेवलपमेंट लेके आए, पर हमारे को तो अज्ञान ही सबसे पहले, हमको तो अज्ञान ही होता है ना स्वामी जी, बाद में हम फिर दृष्टि का यूज करते हैं। मैंने वही कहा कि आप भी डेवलपमेंट लेकर आए हैं, मैं भी डेवलपमेंट लेकर आया हूँ। मेरा डेवलपमेंट थोड़ा हाई है, आपका डेवलपमेंट लो है, अज्ञान ज्यादा है। कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो हमारा भी है जो हम ये समझ पा रहे हैं। देखो, ये विज्ञान समझने का, सुनने का, उपयोग करने का, अनुभव करने का, किसी को बताने का मौका मिला है, वो बिना डेवलपमेंट ये संजोग होते नहीं है। मैं डेवलपमेंट से ऐसे समझ रही हूँ स्वामी जी, एक तो हमने खाली ये भाव किया कि हमें कुछ सनातन सत्य समझना है, या कुछ सनातन सत्य हमने पहले से भी समझ रखा है, इस तरह का पूछना चाह रही थी। कुछ सनातन सत्य पहले तो है, मैंने कहा आप डेवलपमेंट भी लेकर आए हैं, मगर मैंने कहा ना कि देखो सिंपल बात यह है कि आपने मेरा वर्ड सुना होगा ओपनर। हाँ जी स्वामी जी, सुना है, बहुत बार सुना है स्वामी। हाँ जी, बहुत बार सुना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपनर? ओपनर का मीनिंग है कि जो आपका वो कवर हुआ हुआ है उसको आप अनकवर करना, मतलब कोई चीज कवर है उसको अनकवर करना, मतलब वो डेवलपमेंट हमारा जो कवर है उसको आप अनकवर कर रहे हैं, ये ऐसे स्वामी जी? दैट्स इट, वही तो मैं बता रहा हूँ। हाँ स्वामी जी, समझ गए। आई एम नॉट क्रिएटर, आई एम द ओपनर। हाँ जी स्वामी जी, दोनों काम कर रहे हो स्वामी जी, आप हमें डेवलप भी कर रहे हो और पहले का अनकवर भी कर रहे हो। हमारा डेवलप मतलब वो जो बोलते हैं ना उपादान भी तो आप तैयार कर रहे हो हम सब में ना। हाँ, उपादान तैयार कर रहा हूँ, मैं क्रिएटर नहीं हूँ। मगर क्रिएटर का मतलब होता है, मैं कहने का मतलब ये था है कि अगर आपके पास ये विज्ञान जानने की जिज्ञासा नहीं होती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आपके पक्ष में भी ये विज्ञान जानने का आपका जो इंटरेस्ट है और वो डेवलपमेंट इंटरेस्ट वाला लेकर आए हो, और कुदरत ने आपको ये विज्ञान समझने का मौका मिला और मौके से धीरे धीरे ये विज्ञान ओपन हो रहा है और उसमें मैं निमित्त बन रहा हूं, और आप यही विज्ञान को समझ के उपयोग करके अनुभव करके परिपक्व कर रहे हैं और अपना डेवलपमेंट बढ़ा रहे हो। हाँ स्वामी जी, समझ गए स्वामी जी। मुझे तो ऐसे लगता है कि आपको सुन के हमें जिज्ञासा हो रही है, पहले जिज्ञासा भी जैसे सत्संग सुनने के बाद हमको हो रही है, पहले जिज्ञासा भी नहीं होती थी। वो व्यवहार सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। संजोग के आधार से ही संजोग मिल, अपना कर्मों के आधार से ही संजोग मिलते हैं और संजोग के आधार से ही ओपन होता है रिलेटिव सत्य। मगर रिलेटिव सत्य को हम समझ नहीं पाते हैं तो हम निमित को कर्ता मानते हैं और निमित को सत्ता वाला मानते हैं, मगर वो सही नहीं है। नहीं स्वामी जी, अगर एक दिन भी हम आपको नहीं सुने तो हमारी जिज्ञासा कम होने लगती है। सत्संग के सनातन सत्य समझना है, इस मार्ग में हमें आगे बढ़ना है, इसमें डेवलप होना है। एक दिन भी अगर मिस हो जाए आपको सुनना तो हमको ऐसे लगता है कि जैसे हमारा जो अंदर से वो था ना, वो भी भाव भी थोड़ा डाउन हो गया, ऐसे कभी कभी फील होता है। तो लगता है कि हमारे को वो भी आपको सुनने के बाद ही होता है, ऐसे मुझे फील होता है। बराबर है, इसीलिए मैंने कहा कि आप सबने विज्ञान जानने की जिज्ञासा बताई, आपका इंटरेस्ट भी है, डेवलपमेंट भी लेकर आए हैं, मगर ये विज्ञान जान के आपकी दृष्टि को परिपक्व करना अभी बाकी है, और इसीलिए बार बार आपको ये विज्ञान सुनना समझना, आपको इसमें इंटरेस्ट आता है, क्योंकि सुना तो है उपयोग भी करते हैं, मगर जिस प्रकार से हमारी मैच्योरिटी होनी चाहिए विथ ओन एक्सपीरियंस, वो अभी इतनी नहीं बढ़ी है। तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति को इंटरेस्ट रहेगा ही, अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो मतलब उसने ये विज्ञान की वैल्यू समझी नहीं है।
नहीं स्वामी जी, वैल्यू तो हमको अब समझ में आ गई है कि ये समझे बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ इसमें मतलब हमको अगर खुद को रियलाइज करना है तो इसमें इंटरेस्ट रखना ही पड़ेगा, रखना ही है जी। स्वामी जी एक अभी जो बहन का पहले क्वेश्चन था ना कि भाई ऐसा होता है कि चुप रहना है और चुप नहीं रह पाते हैं, तो चुप रहने का जो विचार आता है और चुप नहीं रहते हैं, वो दोनों ही तो डिस्चार्ज भाग में ही जाएंगे ना स्वामी जी। रह पाते हैं वो भी डिस्चार्ज है, नहीं रह पाते जो संयम रख, विचार आते हैं और नहीं रह पाते वो तो डिस्चार्ज है, मगर क्वेश्चन होता है वो तो कंफ्यूजन है, और मैं कंफ्यूजन का सॉल्यूशन देता हूँ, डिस्चार्ज का नहीं देता हूँ। हाँ मैं वही समझ, मेरे को समझ में वही आ रहा है कि ऐसा तो हमको होता है कि ये प्रॉब्लम नहीं होती अगर हम चुप रहते तो, और चुप नहीं रह पाते वो भी बात सच है, और फिर प्रॉब्लम भी होती है वो भी है, और पूरा डिस्चार्ज है अभी हमको, तो फिर ये प्रकृति नहीं होनी, ऐसी प्रकृति हमारे मोक्ष के लिए हेल्पफुल नहीं है, ऐसी प्रकृति नहीं होनी चाहिए, हेल्पफुल नहीं है, तो इतना हम भाव करते हैं वो पुरुषार्थ है, बाकी सब डिस्चार्ज है। हम अलग रहते हैं इस भाग से कि विचार किया संभव में रहे नहीं रहे वो सब डिस्चार्ज है, वो तो पुरुषार्थ है ना स्वामी जी हमारा, उससे अलग रहे विचार वाले भाग से वो क्या किया उसने क्या नहीं किया। यही तो प्रकृति से मुक्त रहना, यही तो हमारा पुरुषार्थ है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ मालिक की भाव कर्ता भाव खत्म करना, वही तो हमारा पुरुषार्थ है। परमात्मा ही हम है, हमारा स्वरूप है, और परमात्मा की ही अनुभूति करनी है, और परमात्मा हम खुद ही है, मगर क्योंकि अज्ञानता है तो उसका अस्तित्व होते हुए भी हमको अनुभव में नहीं आता है, मगर एक दिन हम हमारी सभी अज्ञानता को मिटा के हमारे खुद के ही स्वरूप को, हमारी खुद की ही शक्ति को एक दिन जरूर हम उसको अनुभव करने में कामयाब होंगे। हाँ स्वामी जी ऐसा ही भाव है कि इसी में कामयाब होने का। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी ये जो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, डिस्चार्ज ईगो, क्या वो खुद उसको ऐसा अस्तित्व उसका है, मैं हूं ऐसा, कि ये चार्ज वाला खुद ही उसको देख के उसकी तरफ से बोलता है कि मैं हूं, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि अस्तित्व का एहसास तो एक ही होता है ना, मैं हूं एक ही होता है, फिर ये शरीर भी अपना बोलता है मैं हूं, चार्ज वाला बोलता है मैं हूं, तो ये दो दो अस्तित्व तो नहीं हो सकते ना। शरीर बोलता है मैं हूं, वो कुदरती रचना है, प्रतिष्ठित आत्मा मैं बोलता है वो पुरुषार्थ है अज्ञानता का। तो कुदरती रचना तो स्वामी जी टोटल जड़ है, फिर वो कैसे जड़ ही है कि मैं हूं? और जड़ के लिए आप जिम्मेदार भी नहीं है। नहीं लेकिन वो बोलता तो है ना कि मैं हूं। हाँ मगर वो कुदरती रचना है ना, मन वचन का तीनों। पूरा जड़ मन वचन तीनों तीनों जड़ परमाणु से बने हैं, तो वहां वो जो चेतन जैसा जो लगता है जो जो संजोगों में तो बोलता ही है, जब हम अकेले होते हैं तभी भी वो ऐसा नहीं रहता है, तभी भी वो बोलता है कि मैं हूं। तो मैं कहता हूं कि शरीर किसी के साथ जुड़ा हुआ है या शरीर बाहर की व्यक्तियों से अलग भी है, मगर किसी के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं है, मगर शरीर तो शरीर ही है, किसी के साथ व्यवहार करता है उस समय भी शरीर है, किसी के साथ नहीं व्यवहार करता है उस समय भी शरीर है, हाँ या ना? हाँ है। तो किसी के साथ बोलते समय भी कहेगा कि मैं शरीर हूं या तो मैं हूं, और कोई नहीं होता है तो भी कहता है मैं हूं, तो इसमें क्या फर्क होगा? नहीं जो मैं हूं वो चार्ज वाले में तो एक चेतनता का अनुभव होता है कि मैं हूं,
लेकिन ये शरीर के अंदर जब भी वो मैं हूँ तो ये दो तो मैं कैसे हो सकते हैं, वो प्रश्न होता है कि ये जड़ वाला कैसे बोल सकता है कि मैं हूँ, वो फिर दो चेतन हो गए क्या, दो चेतन हो गए अस्तित्व के दो टुकड़े। आपने आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जड़ वाला कैसे बोल सकता है, मतलब जो कैसेट चलती है वो चेतन है, वो आप मानते हैं? नहीं नहीं भी या हाँ, दोनों में से एक बोलो। स्वामी जी वो तो समझो हुआ ज्ञान है, पर जब ही ये नहीं, शरीर समझने की बात नहीं करता हूँ, कैसेट भी बोलता है तो वो चेतन है कि नहीं उसमें बताइए पहले, क्योंकि आपने कहा वो भी बोलता है वो भी बोलता है तो दो चेतन है, ये आपका प्रश्न है, तो ये शरीर बोलने वाला भी चेतन है, ये आपका प्रश्न मूल है, ठीक है। तो कैसेट भी बोलता है तो उसमें चेतन होना चाहिए ना, यहाँ चेतन मानोगे तो वहां भी होना चाहिए, वो भी बोलता है। यहाँ दोनों माने तो यहाँ क्यों नहीं माने, क्योंकि वहां भी भाषा है यहाँ भी भाषा है। हाँ अगर आप स्पीच के साथ चेतन को जोड़ेंगे तो वहां भी स्पीच है, तो चेतन जोड़ना पड़ेगा ना एज अ प्रिंसिपल। हाँ हाँ या तो दोनों जगह नहीं मानो। कैसेट में भी नहीं मानो और बोलने वाले में भी नहीं मानो, तो इक्वल हो गया प्रिंसिपल के दोनों में से एक में भी नहीं है, ये भी मैकेनिकल वो भी मैकेनिकल, तो प्रश्न नहीं है हमारा। नहीं स्वामी जी, अगर जैसे आपने बताया टेप रिकॉर्ड तो चेतन नहीं है, वैसे ही हमारी वाणी भी टेप रिकॉर्ड है तो चेतन नहीं है, तो एक तरफ हम उसको टोटल जड़ भी बताते हैं, फिर एक तरफ बोलते हैं कि वो उसमें ज्ञान दर्शन भी है अपना और वो उसका एहसास भी करता है, तो वो जब पूरा जड़ है तो उसको फिर कहां से ज्ञान दर्शन है, फिर वो क्वेश्चन होता है। ये साइंस में आपने बहुत बार सुना है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार जो डिस्चार्ज है वो भी लेकर आए और इसका ज्ञान दर्शन भी डिस्चार्ज है। तो केशवन कहाँ खड़ा है? वो जब भी डिस्चार्ज होता है, पैदा होते ही आप कहेंगे, आप पैदा होते ही थोड़े समय के बाद कहूंगी मेरे माता है पिता है, वो ज्ञान लेकर आए आपने बोला, आपने माना भी, तो वो उदय कर्म है या पुरुषार्थ है? उदय कर्म है। तो उदय कर्म का ज्ञान भी आप लेकर आए, बराबर है? हाँ। तो इसमें क्वेश्चन कहाँ आया फिर, वो भी ज्ञान दर्शन है। यानी ये जो दो दो में जो अस्तित्व जब भी दूसरे के साथ में होते हैं तभी चार्ज वाला एकदम सजग होके मैं ये नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं ये नहीं हूँ, तो वो फिर जब वो अकेला होता है तभी एक ऐसा लगता है कि जैसे दो दो विभाजन हो गए, फिर कंफ्यूजन आ जाता है कि ये अस्तित्व के दो टुकड़े कैसे हो गए, वो भी बोल रहा है कि मैं हूँ और ये बोल रहा है मैं आत्मा हूँ, अस्तित्व का भान तो एक ही होना चाहिए, वो उस तरह से कंफ्यूजन हुआ। इसीलिए आपको कंफ्यूजन ये है कि शरीर शरीर बोलता है मैं मर रहा हूं और आत्मा बोलता है मैं मरता नहीं हूं, ये कंफ्यूजन है आपको एट ए टाइम, क्योंकि दोनों चीज एट ए टाइम है। Am I right or no? Yeah, at a time. हाँ. तो ये इसमें कोई confusion हो सकता है? नहीं. मगर आपको है? दोनों at a time है. एक मर रहा है और एक कहता है मैं मरता ही नहीं. दोनों at a time है. In your vision. Am I right or wrong? हाँ. Right. And you are right और ये vision correct है कि wrong है? Correct है कि सही है? Correct है कि incorrect है? यानी रीजन में रिलेटिव भी है रियल भी है। हाँ वो अपनी अपनी जगह है मगर दोनों करेक्ट है ना एट ए टाइम। हाँ
एट अ टाइम दोनों जगह पे करेक्ट है ना? हाँ, अपनी जगह पे करेक्ट है. दे नॉट क्रिएट द कंफ्यूजन. एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ. तो फिर यहाँ आपको कंफ्यूजन क्यों हुआ? हाँ, एक मैकेनिकल है, एक मैकेनिकल नहीं, एक मैकेनिकल पार्ट है, एक लाइव पार्ट है, तो दोनों क्यों साथ में नहीं हो सकते? स्वामी जी, एक एक अस्तित्व का भाव एक शरीर की तरफ खींचता है, वो शरीर भी बोलता है जोरों से कि मैं हूँ, और एक बोलता है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो भी उतने जोर से बोलता है कि मैं आत्मा हूँ. फिर लगता है कि ये दोनों बोलने वाले दोनों बोलने वाले क्या पूरे के दोनों ही प्रकृति है क्या? दोनों कुदरती रचना है? फिर ऐसा अंदर से होता है कि ये दो दो, एक बोल रहा है मैं शरीर हूँ, फिर वो बोल रहा है मैं आत्मा हूँ. तो इस तरह से उत्तर दो. हाँ जी, हाँ. एक रिलेटिव ज्ञान है, एक रियल ज्ञान है. अभी पावर किसका है, उसका प्रभाव रहेगा अपने ज्ञान दर्शन के ऊपर. परिणाम तो वही आएगा कुदरती रचना के मुताबिक, मगर प्रभाव उसी का होगा कि अभी ज्ञान का पावर है, रिलेटिव सत्य का पावर है कि सनातन सत्य का है. बस ये आपका पुरुषार्थ है. और मन वचन का है तो कुदरती रचना है, उसमें तो पुरुषार्थ है ही नहीं, तो वो तो सब्जेक्ट ही नहीं हमारा. हमारा सब्जेक्ट तो ज्ञान दर्शन है. अभी ज्ञान दर्शन में अज्ञान का प्रभाव है या विज्ञान का प्रभाव है, उसके मुताबिक आपका पुरुषार्थ रहेगा. तो वो जो डिस्चार्ज में जो ज्ञान दर्शन है, वो भी अपना पूरा फोर्स से अपना काम करता है. उसके सामने मेरा फोर्स, मतलब मेरा चार्ज में मेरा फोर्स अगर उतना इक्वली पावरफुल है, तो मैं चार्ज में मैं जीत जाऊंगी, नहीं तो वो जीत जाएगा. नहीं, मतलब जीतना हारना वो तो ठीक व्यवहार से आपने बताया, वो प्रश्न नहीं है. प्रश्न ये है कि आपकी दृष्टि में कोई भी संजोग में अज्ञान तो लेकर आए हैं और विज्ञान आपके अंदर खुला हुआ है. आपने अभी पाया है वो खुला हुआ है. अभी आपके अंदर अज्ञान का पावर ज्यादा है या विज्ञान का पावर ज्यादा है, वो आपके उपयोग के ऊपर आधारित है. इनटू इन्वर्टेड कोमा, एज पर योर एक्सपीरियंस. अगर विज्ञान का उपयोग कम होगा तो अनुभव भी कम होगा, तो नेचुरली अज्ञान का ही पावर होगा. और आपने विज्ञान जान के विज्ञान का ज्यादा उपयोग किया है, तो आपका विज्ञान की दृष्टि परिपक्व होगी, तो अज्ञान तो होगा मगर पुरुषार्थ या उपयोग विज्ञान का ही होगा, क्योंकि वो पावरफुल है. सो डिपेंड ऑन योर विजन. आपकी दृष्टि के ऊपर आधारित है. जब आपके पास अज्ञान विज्ञान दोनों है, तब आपकी दृष्टि कितनी पावरफुल है इन एनी सर्कमस्टेंसेस, इसका ही उपयोग होगा. अगर आपके पास विज्ञान नहीं है तो ऑप्शन नहीं है, अज्ञान ही का, अज्ञान का ही उपयोग होगा, चाहे राग के फॉर्म में चाहे द्वेष के फॉर्म में, नो ऑप्शन एट ऑल. हाँ, हाँ स्वामी जी. मगर आपके पास विज्ञान है तो आपके पास ऑप्शन है कि मैं किसका उपयोग करूं. हाँ स्वामी जी, वो ऑप्शन तो एकदम क्लियर है कि वो ऑप्शन का हमेशा दृष्टि में रहना चाहिए. वो ऑप्शन, वो परमानेंट सॉल्यूशन मिल गया है. पर ये जो डिस्चार्ज में जो ईगो जो है, वो हर सर्कमस्टेंस में ऐसा लगता है कि वो कोई, जैसे चार्ज में जो अनुभव होता है ना, कि जैसे एक ही चेतना की कोई एक वो हो, डिस्चार्ज में लगता है कि कभी कुछ हाई होता है, फिर कभी लो होता है ऐसे. तो क्या वो ईगो हर संजोगों का एक अलग ईगो होता है? हर एक संजोग का एक डिफरेंट ईगो होता है? वो जो डिस्चार्ज में जो ईगो है, जो मन वचन काया के साथ में. अब डिस्चार्ज की बात करते हो या लाइव की बात करते हो? डिस्चार्ज. डिस्चार्ज का तो मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल में पावर अप्स एंड डाउन हो सकता है, मगर इससे सेपरेट रहना, दिस इज द ओनली बेस्ट वे इन स्पिरिचुअल साइंस. इफ इट इज पावरफुल और नॉट, बट हमको सिर्फ अलग रहना है विदाउट एनी कैलकुलेशन. हाँ,
That is the only best solution. But when you enter in a part of discharge, they create so many puzzles in your life. Haan, Swamiji. Haan. Because it is passed automatically why you are enter. You understand my point? And why you create the puzzle unnecessarily? This is not your part. Correct. But because of ignorance and power of your ignorance, you are enter in a discharge part and you create the puzzle in your mind. Okay. तो स्वामी जी वहां पर जो ईगो का इम्बेलेंस होता है उसकी तरफ हमको वहां बैलेंस करने के लिए कुछ भी करने की वो आ रहा है और जा रहा है, कहीं हाइपर है कभी लो है, जो भी है वो आ रहा है और जा रहा है, बस उतना ही है वहां पर। प्रश्न ये नहीं है कि आपके पास धूल है या डायमंड है, प्रश्न ये है कि आपकी दृष्टि में वैल्यू धूल की डायमंड की है, वही आपकी अज्ञानता है। हाँ, और आपको अज्ञानता मिटाना है, धूल को या डायमंड को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, वो कुदरती रचना में जाएगा। आपकी दृष्टि में से दोनों समान दिखे, दैट इज द आर्ट ऑफ विजन। हाँ, दुनिया के लोग तो कहेंगे धूल की कोई कीमत नहीं है, डायमंड की कीमत है, वो दुनिया के तो लोग कहेंगे, बिकॉज दे हैव अ ओनली रिलेटिव विजन। मगर आपके पास तो रियल विजन है कि नहीं जी? धूल भी आके चली जाएगी, डायमंड भी आके चले जाएगा, बट आई एम अ परमानेंट, आई हैव अ इनफाइनाइट पावर, आई एम अ चेतन, तो मैं फिर धूल और डायमंड की वैल्यू क्यों करूंगा इन माय पुरुषार्थ विजन? व्हाई? हाँ, हाँ, अगर मैं करूंगा दैट इज माय इग्नोरेंस। और उसी को तो करेक्ट करना है, अज्ञान को ही तो मिटाना है, संजोगों को बदलने की तो बात हम करते ही नहीं है। बराबर है कि नहीं? हाँ हाँ स्वामी जी, बराबर है। उससे उस वो जो फ्लक्चुएटिंग है उससे अपने आप को किनारा कर लेना और अपने उसमें आ जाना, वही उसका बैलेंसिंग हो गया, उसके अलावा हाँ। और कोई रास्ता नहीं है, देर इज नो एनी बेस्ट वे, देर इज नो एनी बेस्ट और द बेटर वे। सेपरेशन से अलावा कोई उत्तम रास्ता आध्यात्मिक मार्ग में नहीं है, और दुनिया के जितने भी लोग, साधु संत सन्यासी या आम लोग, जो भी लोग ने मन वचन काया की अवस्था के डिटेल में गए, दे आर फेल टू अचीव इज गोल ऑफ इनफाइनाइट पावर, जिसकी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू क्यों करते हो? आप मन वचन काया नहीं हो, मन वचन काया को चलाने वाले नहीं हो, मन वचन काया की अवस्था को भुगतान करने वाले नहीं हो, व्हाई यू आर एंटर विद द वैल्यू? बेटर यू सेपरेट। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट, हाँ स्वामी जी, हाँ। एंड दैट इज द ओनली बेस्ट सॉल्यूशन। बाकी सब सॉल्यूशन है मगर वो टेम्पररी है, एंड दे क्रिएट द सो मेनी पजल एंड कंफ्यूजन इन योर माइंड। और इसीलिए साइंस में बहुत सिंपल रास्ता होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, नो कंफ्यूजन, एंड इट्स वेरी सिंपल, एंड इट्स ऑन अ बेस ऑफ प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ नेचर। उसमें कोई गोल गोल बात तो होती नहीं है, हम हालांकि नहीं समझ पाते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट मेरा काम है, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कन्विंस यू ऑन अ बेस ऑफ प्रिंसिपल, नॉट ऑन अ रिलेटिव ट्रूथ। राइट और रॉन्ग? राइट, हाँ स्वामी जी, हाँ। तो आपको आपको अभी आपको सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ स्वामी जी, सॉल्यूशन हुआ। वो जो एक उसके अंदर से कैसे
अभी जो मुझे विजन मिला है मुझे सारा उसी पे फोकस करना है, वहां भी है, वो थोड़ा भी फोकस वहां चला जाता है तो सारा गड़बड़ शुरू हो जाती है। सही बात है। तो इसीलिए इसीलिए ज्ञानी पुरुष या अनुभवी पुरुष यही कहना चाहते हैं, आपको जिन रास्ते पर जाना है और जो आपका गोल ऑफ योर लाइफ है वहां ही आपका फोकस होना चाहिए। जो बात को आपको छोड़ना है या तो जिस बात से आपको मुक्त रहना है, मुक्त होना है और मुक्तता की अनुभूति करने है, उस बात के अंदर 1% भी इन्वॉल्व होने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। करेक्ट? हाँ स्वामी जी। तो इट्स वेरी सिंपल। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि हर साइंटिस्ट को ये बातें आगे बढ़ने में आपके प्रश्न के माध्यम से हेल्पफुल होगी। जी स्वामी जी। ओके, नाउ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है? ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपने उदीर्ण शब्द को की व्याख्या की है। हाँ बोलिए। तो उदीर्ण में आप बता रहे हैं कि इस अवतार में बांधे हुए कर्म ज्ञानाग्नि से भस्मीभूत होते हैं और शुद्ध ज्ञान दर्शन के उपयोग से भस्मीभूत करते हैं, उन्हें उदीर्णा मना आपने कहा है। और आप आगे कह रहे हैं कि उदीर्णा मना की जो उदय कर्म में उदय मना जो बंधे हुए कर्म है वो अगले बर्थ में उदय कर्म में आते हैं, तो शुद्ध उपयोग और शुद्ध ज्ञान दर्शन में रहने से वो भी उदीर्णा कहलाते हैं। और आप कह रहे हैं कि उदय कर्म उदय में जो आए हैं परंतु भोगे नहीं है वह भी उदीर्णा है। इनको तीनों को एक बार डिफाइन करके बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप। नहीं, दो बातें बताइए या तीन बात बताइए? हाँ नहीं, दो है कि तीन है? तीन है। तीन है। पहली कौन सी बताइए? नंबर वन माना कि हाँ पहला है कि इस अवतार में बांधे हुए कर्म इसी अवतार में ज्ञानाग्नि से भस्मीभूत होते हैं। हम अगर बांधा हुआ भुगतान करते हैं वो नहीं। हाँ। क्लियर करो पहले। हाँ। इस अवतार में जो कर्म आपने चार्ज किया है उसकी बात करते हैं, डिस्चार्ज की नहीं। क्लियर कर लो पहले माइंड में। ठीक है। हाँ। ओके, नाउ द सेकंड। सेकंड में आप बोलते हैं कि शुद्ध ज्ञान दर्शन से उपयोग में भस्मीभूत हुए कर्म वह भी उदीर्णा है। नहीं, मगर कब रहने का है ये? शुद्ध ज्ञान दर्शन से उपयोग में। अरे मैं समझ गया, वो बात इस बर्थ की है, नेक्स्ट बर्थ की है, क्या बात है? रेफरेंस एक में आपने नेक्स्ट बर्थ का भी बोला हुआ है। हाँ, तो एक नेक्स्ट बर्थ का है। तीसरा कौन सा है? तीसरे में जो तीसरा बोल रहे हैं आपके उदय कर्म में नहीं जो माना उदय कर्म में आते हैं परंतु भोगा नहीं है वह भी उदीर्णा है। वो नेक्स्ट कर्म में तो आते हैं लेकिन भोगा नहीं है। स्वामी जी, उदय कर्म में आएंगे तो भोगने में तो आएंगे ही ना। हाँ, मगर भोगा नहीं है तो वो नेक्स्ट बर्थ की बात हो गई। नहीं, उदय कर्म में तो आए। हाँ, तो नेक्स्ट बर्थ की बात हो गई। आप एक बार तीनों को ठीक से डिफाइन करो क्या कहना चाहते हो। अभी आपने ज्ञान चार्ज, अभी आपने कर्म चार्ज किया, इसको आपने ज्ञानाग्नि से भस्मीभूत किया, तो दो ही बात आई। तीसरी बात कौन सी है? मैं ये कंफ्यूज। अच्छा, दो ही बात आई। अच्छा, ठीक है। तो क्योंकि मेरा विजन आप 10 साल के बाद पूछोगे या 20 साल
के बाद पूछूंगी, मेरा विजन क्लियर है, नो कंफ्यूजन इन माय विजन, मगर आप कुछ भी ऐड करोगे तो मेरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा, क्योंकि मेरे विजन की बात नहीं है। अच्छा, अभी आंसर देता हूँ, अभी आंसर देता हूँ। मैंने ये कहने की कोशिश किया है कि अभी आपने इस बर्थ में कोई भी कर्म चार्ज किया है, वो आप इसी बर्थ में ज्ञानाग्नि से, ज्ञानाग्नि किसको कहते हैं, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करना, इसको ज्ञानाग्नि बोलते हैं। तो वो ज्ञानाग्नि से आप उसी कर्म को भस्म कर दोगे तो नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट के रूप में नहीं आएंगे। ये पहला आंसर। दूसरा आंसर है कि अगर हमने कोई कर्म चार्ज किया, उसकी भुगतान नेक्स्ट बर्थ में आई, मगर हम अपने शुद्ध ज्ञान दर्शन में रहे, वो भी निर्जरा है, क्योंकि वो भी प्रकृति तो भुगतान करेगी, हम तो भुगतान करने वाले है ही नहीं, हम तो कंसल्ट ही नहीं है, वो भी निर्जरा है विदाउट एनी चार्ज। नाउ क्लियर? हाँ स्वामी जी। ओके ओके स्वामी जी, जो हम शुद्धात्मा का जो प्रार्थना बोलते हैं, शुद्धात्मा की जब हम प्रार्थना बोलते हैं कि तो हम ये बोलते हैं कि हे भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ, तो यहाँ मैं कौन आता है जिसको हम नमस्कार, मतलब मैं तो कौन है, नमस्कार किसको पहुंचता है? हाँ, नमस्कार करने वाला व्यक्ति अहंकार है, लाइव अहंकार, और जिसको नमस्कार करते हैं वो शुद्ध आत्मा है। अच्छा, नहीं आपको कंफ्यूजन है तो और काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ पुरुषार्थ वाला प्रतिष्ठित आत्मा कहता है कि हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, तो शुद्धात्मा भगवान की दृष्टि है और प्रार्थना है, और नमस्कार किसको करते हैं? शुद्धात्मा को, क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा का पुरुषार्थ और प्रार्थना है, दृष्टि है, और नमस्कार करते हैं मूल आत्मा को। जैसे पहले वही प्रतिष्ठित आत्मा प्रकृति को अपना स्वरूप मानते थे, अभी वो परमात्मा को अपना स्वरूप मानते हैं, उसको मानने का राइट है। पहले अज्ञान था, अभी विज्ञान है, पहले रिलेटिव सत्य था, अभी सनातन सत्य है, रिलेटिव सत्य था वो भी विजन था, सनातन सत्य है वो भी विजन है, रिलेटिव सत्य में रिलेटिव सत्य का पुरुषार्थ करते थे संसार को चलाने का, जब सनातन सत्य की दृष्टि आई तो वो भी पुरुषार्थ करेंगे संसार को समाप्त करने का। और मैंने बार बार कहा है कि जब कोई भी बात पुरुषार्थ से जुड़ी होती है तो उसमें प्रतिष्ठित आत्मा का ओनली रोल होता है, जब परिणाम की बात आती है तो उसमें मन वचन काया का ही ओनली रोल होता है, और जब शाश्वत स्वभाव की बात आती है तो ओनली आत्मा का रोल होता है। ये तीनों बात में साइंटिस्ट को कंफ्यूजन होने की कभी भी जरूरत नहीं है। बराबर है कि नहीं? हाँ ठीक है स्वामी जी, हाँ बराबर है। हाँ, जब आपने कहा कि भी मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा कौन बोलता है, तो वो तो पुरुषार्थ करता है, तो पुरुषार्थ किस में जाएगा? पुरुषार्थ पुरुषार्थ में ही जाएगा, भाव पुरुषार्थ में। पुरुषार्थ करने वाला कॉलम कौन सा है तीन में से? जाएगा पुरुषार्थ करने वाला कॉलम तीन में से आत्मा। That's it. Then why you create the confusion in your mind? क्यों शरीर को, आत्मा को, तीनों को जोड़ देते हैं? Why you create the confusion? The definition is fixed. जब पुरुषार्थ की बात करेंगे तो प्रतिष्ठित आत्मा ही आएगा कभी भी।
जब परिणाम की बात करेंगे तो प्रकृति ही आएगी मन वचन काया, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब परमानेंट स्वभाव की बात करेंगे तो आत्मा ही आएगा, नो कंफ्यूजन। मगर मैंने कहा ना कि बार बार हमारा विजन डिस्टर्ब हो जाता है एंड दे क्रिएट द कंफ्यूजन। कभी कभी प्रकृति में जुड़ जाता है और कभी कभी लगता है कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो फिर बोलने वाला कौन है? शुद्धात्मा तो बोलता नहीं है। मगर मैंने कहा मैं शुद्धात्मा हूं, बोलने वाला कौन है? तो वो पुरुषार्थ करता है, तो पुरुषार्थ करने वाला कौन है? तो प्रचित आत्मा है। तो व्हाई यू क्रिएट द कंफ्यूजन? कभी शुद्धात्मा बोलता है कि मैं शुद्धात्मा हूं? नहीं, वो तो कैटलिस्ट है ना। कभी शुद्धात्मा को बोलने की जरूरत पड़ेगी कि मैं शुद्धात्मा हूं? नहीं। तो फिर मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा बोला, तब क्यों आपको कंफ्यूजन हुआ कि कौन बोलता है? वही तो बोलेगा प्रतिष्ठित आत्मा, क्योंकि पुरुषार्थ उनको करना है, प्रकृति को तो करना नहीं है, उनके पास तो शक्ति भी नहीं है, और आत्मा को करने की जरूरत नहीं है। The reason is very clear, no confusion. मगर हमारी तकलीफ क्या होती है, मैंने पहले भी कहा है, बार बार कहा है, जब हम दोनों बातों को साथ में सुनते हैं, एक जगह रिलेटिव सत्य की बात सुनते हैं, दूसरी जगह सनातन सत्य की बात सुनते हैं, तो फिर तो कंफ्यूजन होगा ही। और आपके माइंड में भाई क्यों दोनों बातों को जोड़नी चाहती हो? जब हमको सनातन सत्य मिल गया तो रिलेटिव सत्य की बात के साथ जहां भी पढ़ो सुनो उसमें संभाव से निकाल करना है, न कुछ प्राप्त करना है, न कुछ खोना है, और न ही अपने सनातन सत्य की दृष्टि को डिस्टर्ब करना है। मगर दोनों के साथ जोड़ दोगे फिर तो पजल होगा ही, क्योंकि एक का काम है संसार चलाना, दूसरे का काम है संसार को समाप्त करना। अभी आप दोनों जोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? वो तो कंफ्यूज ही रहेगा। तो बात तो वही है ना, वही तो मैं कहता हूं, दोनों को क्यों जोड़ते हो? एक रिलेटिव सत्य है, एक सनातन सत्य है, दोनों अपनी जगह पे सही है। हमको समझना है कि हमको कौन से मार्ग पे जाना है, हमको सनातन सत्य के विजन को फॉलो करना है या रिलेटिव सत्य के विजन को फॉलो करना है। मगर दोनों को साथ में जोड़ेंगे कभी भी कहीं भी तो फिर पजल होगा ही। ओके हाँ स्वामी जी। स्वामी जी एक छोटा सा प्रश्न फिर खड़ा हो गया। बोलिए बोलिए। कि जो जो मैं फिर मैं ये बोलता हूँ कि मैं अनंत दर्शन वाला हूँ या मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, फिर यहाँ मैं किसके लिए यूज होगा? पहले मैं कहता था मैं चंदूलाल हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, वो मानने वाला कौन था? वो भी अहंकार ही था। हाँ, वो भी अहंकार था, ये भी अहंकार है। पहले रिलेटिव सत्य को बिलीव करता था, अभी सनातन सत्य को बिलीव करता है, सेम ईगो। पहले अज्ञान था, अभी भी ज्ञान है, मगर है किसके पास? प्रतिष्ठित आत्मा के पास। क्यों उनके पास है? क्योंकि पुरुषार्थ उनको ही करना है, न प्रकृति को करना है, न परमात्मा को करना है। फिर वो ही क्वेश्चन। ये तो स्वामी जी बहुत बड़ा पजल था। हम मैं अनंत शक्ति वाला हूँ या अनंत दर्शन वाला हूँ, ज्ञान वाला हूँ, वहां भी जन्म वही शुद्ध आत्मा पर ही जाता था। ये बहुत बड़ी बात है। अभी शुद्धात्मा को अनंत शक्ति वाला हूँ ऐसा बोलने की जरूरत है? नहीं नहीं है। तो फिर व्हाई यू क्रिएट द कंफ्यूजन अननेसेसरीली? तो ये पूरे ये साइंस पे फोकस करोगे तभी ये होगा। अगर दोनों को रिलेटिव सत्य सनातन सत्य दोनों को जोड़ देंगे तो फिर तो पजल होगा। हमको
हमको लाइन ऑफ डिमार्केशन बनानी है कि हम कहीं भी पढ़े कहीं भी सुने, मगर जब रिलेटिव सत्य की बात है तो वहां हमको संभाव से निपटारा करना है। वहां कुछ पाना नहीं है, वहां कुछ खोना नहीं है, ये विजन हमारा क्लियर होना चाहिए। और जब सनातन सत्य की बात है उसी बात को हम पर हमको गौर देना है, वेट देना है, समझना है, उपयोग करना है और अनुभव करना है। और बाकी रिलेटिव सत्य की बातें हर जगह पे मिलेगी, समाज में, परिवार में, व्यवहार में, धर्म में, शास्त्र में, सब जगह मिलेगी, मगर उस वहां फोकस करना नहीं है, खत्म हो गई बात। वहां सिर्फ संभाव रखना है, न राग करना है न द्वेष करना है, फिर नो पजल। दोनों बात को जोड़ेंगे तो फिर पसंद तो होगा ही। हाँ, सही बात है। और इसीलिए मैंने कहा कि मेरे को ज्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि आप दोनों को एट ए टाइम समझना चाहते हैं और इसीलिए फिर मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको कन्विंस करने के लिए। अगर आप एक ही डायरेक्शन पे हैं तो मेरे को इजी हो जाता है आपको समझाने में। यहां सत्संग के अंदर, स्पिरिचुअल साइंस के अंदर कोई भी महात्मा या कोई भी साइंटिस्ट को लाइन ऑफ डिमार्केशन मालूम है कि मन वचन काय की कोई भी क्रिया को न हम पुरुष मानते हैं, पुरुषार्थ मानते हैं, न मनवाते हैं और न ही कोई क्रिया की हम बात करते हैं कि आप करो या न करो। हमारा फोकस, हमारी दृष्टि में सनातन सत्य रूपी सम्यक ज्ञान एंड सम्यक दर्शन, आई एम अ प्योर सोल विथ इनफाइनाइट पावर एंड आई एम अ परमानेंट, और मेरे अलावा मेरे मन वचन काया या पांच इंद्रियों से देखती हुई पूरी सृष्टि वो कुदरती रचना है। यही फोकस एज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट सभी साइंटिस्ट का होना चाहिए। उसमें से आप गिर जाओगे या तो नीचे उतर जाओगे और रिलेटिव सत्य से जुड़ जाओगे, क्योंकि रिलेटिव सत्य की बात सुनने में तो बेनिफिशियरी लगती है मगर वो रिलेटिव बेनिफिशियर है, और बाद में दे क्रिएट द पजल इन योर लाइफ। बेनिफिट तो होता है, जब पुण्य होगा तो बेनिफिट तो होगा, मगर ये समझ में नहीं आता है कि ये सोने की बेड़ी है, वो समझ में नहीं आता है। हमको बेड़ी से मुक्त है, चाहे पुण्य का चाहे पाप का, दोनों को बेड़ी से मुक्त होना है। और इसीलिए ये करने से फायदा है, ये करने से नुकसान है, वो तो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं। हमारा सब्जेक्ट तो सिर्फ अपनी दृष्टि में से मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म रूपी जो ज्ञान है उसको ही मिटाना, ये हमारा स्पिरिचुअल साइंस का सब्जेक्ट है। मगर जब दोनों बातें मिल जाती है, क्रिया की यानी मन वचन काया की और फिर सनातन सत्य की, और फिर पजल होता है। बोलिए। हाँ, ठीक बात है स्वामी जी। स्वामी जी, मैं एक ये और पूछना चाह रही थी, जैसे माना आपने बोला कि आप श्वास रुकने से पहले आप माना व्यष्टि से समष्टि में गए हुए भावों को बदल सकते हैं, तो स्वामी जी उसका प्रोसेस क्या रहेगा? वहां तो फिर पीछे जाना पड़ेगा ना। देखो, मैंने भाव बदलने का साइंस बताया है, भाव बदलना जरूरी है कि नहीं वो मैंने नहीं बताया अभी। हाँ, मैंने पहले भी कहा हमारे स्पिरिचुअल साइंस में जो भी कर्म हो गए चाहे उसके समय अज्ञानता ही क्यों ना हो, और उस समय अज्ञानता के आधार से जो भी भाव बन गए, मगर इसको मिटाना वो स्पिरिचुअल साइंस का काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ अज्ञान को मिटाना है, वो मैंने कहीं बार कहा है। मगर कोई कहेंगे कि आप एज अ प्रिंसिपल या तो सिद्धांत के रूप में जो मैंने कर्म चार्ज किया है इसको मैं पुरुषार्थ से मिटा सकता हूं, तो मेरे को साइंस तो बताना ही पड़ेगा।
मगर ये साइंस साइंटिस्ट को जरूरी है कि नहीं, वो भी हमको समझना पड़ेगा। आप समझे या नहीं समझे? समझ गए स्वामी, समझ गए, अच्छे समझ गई। क्या समझ गए बताइए? कि आप ये कहना चाहते हो कि प्रिंसिपल तो हमें माना, आप यही कहना चाह रहे हो ना कि वो बात माना वो बताना तो हमें पड़ेगा कि आप उससे पहले सांस बंद होने से पहले बदल सकते, लेकिन जरूरत क्या है? अज्ञानता में जब मैं अज्ञान की बात करता हूँ, जब अज्ञान मिटाने की बात करता हूँ, अज्ञान मिटाने की बात करता हूँ, जिससे कर्म बनते हैं वो मिटाने की मूल की बात करता हूँ, फिर आप आंद्रा को काटने की, डाली को काटने की, तोड़ने की क्यों बात करते हो? वो समझ में नहीं आता है। जब मैं मूल की ही बात करता हूँ तो जब अज्ञान ही नहीं रहेगा तो कर्म बंद होगा? फिर नहीं होगा। तो फिर हम अज्ञान निकालने की तो बात करते हैं। फिर आप कहोगे मैंने कोई कर्म चार्ज किया है, इसको मैं मिटाऊं कि नहीं मिटाऊं? तो साइंटिफिकली आप मिटा सकते हैं, मगर वो मिटाओगे तो ध्यान रखना शायद कर्म मिट जाएगा या तो माइंड हो जाएगा, मगर अज्ञान तो बढ़ेगा ही। जो हमारा मूल मकसद है उससे आप भटक गए। सही बात है स्वामी जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो हमको मूल बात से नहीं भटकना है, मगर मेरे को कोई प्रश्न करेंगे तो उत्तर तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हाँ देना पड़ेगा ना। हाँ तो स्वामी जी यही वाला लॉजिक प्रतिक्रमण के साथ भी फिट होता है। तो इसीलिए तो मैंने कहा यहाँ प्रतिक्रमण सामायिक की बात इसीलिए नहीं, क्योंकि आपको उसके लिए प्रकृति के अंदर जाना पड़ेगा और प्रकृति क्रिया को मैंने क्रिया किया वो मानना पड़ेगा। गलती को माफी मैंने को मांगना है वो मानना पड़ेगा। वो रिलेटिव सत्य है और मैं सनातन सत्य की बात करता हूँ तो कैसे मेल बैठेगा? नहीं बैठेगा स्वामी जी। हाँ और वही तो बार बार गलती होती है, और इसीलिए तो मैं कहता हूँ रिलेटिव सनातन, रिलेटिव सत्य और सनातन सत्य दोनों को क्यों जोड़ते हो? दोनों को अपनी जगह पे रखो। यहाँ सिर्फ मैं सनातन सत्य की बात करता हूँ, दुनिया में कहीं जाएगा तो रेडी सत्य की बात करते हैं, उसको करने का अधिकार है, उसमें मेरा कोई क्वेश्चन है, मगर तुम यहाँ दोनों को क्यों जोड़ के लाते? सही, वो प्रश्न मेरा है। हाँ सही बात है समझी। हाँ आप समझे, जब जब मैंने इस दुनिया के अंदर जब बोला है मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, पुरुषार्थ करने का साधन नहीं है, वो मैंने बताया है, बराबर है? हाँ बराबर है। और दुनिया के लोग ये बात नहीं करेंगे, वो तो कहते हैं मन वचन काया कर्म की भुगतान भी करते हैं और पुरुषार्थ भी उनसे ही करना है। तो दोनों को मेल खाएगा? इसलिए दोनों बातों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। बोलिए। हाँ ठीक है स्वामी जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिया आपने। थैंक यू स्वामी जी। ये विज्ञान इतना क्लियर है, साइंस में कोई जगह कंफ्यूजन है ही नहीं, नो इफ नो बट है ही नहीं। फिर तो इतना, ये तो आप सब लोगों का ये सद्भाग्य के है कि आपको ये विज्ञान अनुभवी रूप के अनुभवी पुरुष के मुखारविंद से डायरेक्ट सुनना मिलता है, नहीं तो दुनिया को किताबों ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे राम है चाहे कृष्ण है चाहे महावीर है, सबका किताब ही पढ़ना पड़ेगा। आपको प्रत्यक्ष रूप से मिलना संभव नहीं है और आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलना भी संभव नहीं है, सिर्फ किताबों का ज्ञान पढ़ के ही आगे बढ़ना है और वही दुनिया का दस्तूर है। ये तो बहुत सद्भाग्य वाले लोगों को मिलता है कि प्रत्यक्ष इनको अनुभवी मिलते हैं और उसने प्रश्न का समाधान भी मिलता है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं तो आप क्रिया करते जाओ, पुरुषार्थ मानते जाओ और अपना जीवन जीते जाओ, कौन मना करता है?
सही बात है स्वामी जी. एनीवे ओके ओके जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद स्वामी जी. अच्छा आपका वीडियो वीडियो ओपन है? हाँ. क्यों दिखता नहीं है? ओके मेरा इलेक्ट्रिकल बॉडी के ऊपर प्रश्न है. यस. इलेक्ट्रिक बॉडी क्या वो जड़ है? फुल्ली जड़ है? इलेक्ट्रिकल बॉडी जड़ है ये आपका प्रश्न है? हाँ. आप इलेक्ट्रिकल शब्द का मीनिंग क्या करते हो? जो कुछ गति देता है, कुछ उन जो उसको पावर है. इसमें पावर है खींचने का या फिर जो पावर देता है, जो उसको मूवमेंट या उसमें कुछ क्रिया करने की या ऐसे शक्ति एनर्जी ऐसे इलेक्ट्रिक. जैसे जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिक से फैन चलता है वो. हाँ. चेतन है कि जड़ है? एक्सप्लेन मी. जड़ है. तो क्यों आपको ऐसा प्रश्न करना पड़ेगा? नहीं अभी इलेक्ट्रिकल बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल आपने आपने स्पष्ट बोला इलेक्ट्रिकल बॉडी मींस नॉट सोल करेक्ट? यस. एंड बॉडी इज जड़ करेक्ट? या. एंड बॉडी को चलाने वाला भी कुदरत है, वो भी जड़ है, पांच तत्व. हाँ. तो आपका प्रश्न कहाँ है? नहीं मेरा ये प्रश्न है कि वो मन वचन काया जो भी है क्या वो इलेक्ट्रिकल बॉडी में आता है कि वो उसे तभी अलग तो है? इसको मैकेनिकल बोलते हैं, पावर चेतन लाइक अ बैटरी. नहीं वो इलेक्ट्रिकल बॉडी के अंदर नहीं आएगा. इलेक्ट्रिकल बॉडी के अंदर ही आएगा तभी तो वो काम करेगा. अगर मोबाइल के अंदर सभी फीचर्स होने के नाते भी अगर बैटरी नहीं है तो मोबाइल की क्या कीमत है? हाँ. बोलिए. हाँ हाँ नहीं है. मोबाइल के अंदर बैटरी नहीं है तो क्या कीमत है? कुछ नहीं है. वो इसीलिए हमारा मन वचन काया है वो भी जो तीनों प्रकार की बैटरी है, मन वचन काया, ये तीनों प्रकार की जो बैटरी पिछले अवतार में अज्ञानता के वश हमने जो चार्ज किया था वो ही बैटरी चार्ज होने के बाद उनमें पावर आ गया और वो ही पावर से डिस्चार्ज होता है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ नेचर एंड सिक्स इटर्नल एलिमेंट्स. विद द हेल्प ऑफ ओके. अभी हम प्रेतात्मा जब बोलते हैं तो उसको इलेक्ट्रिकल बॉडी ही रहता है, वो फिजिकल बॉडी नहीं रहता है. तो वहाँ उसका मन बुद्धि चित वो भी चलता है. है ना स्वामी जी? बोलिए बोलिए. हाँ मैं सुन रहा हूँ. वही प्रश्न है मेरा. वहाँ उसका कॉजल बॉडी रहता है, सोल और इलेक्ट्रिक बॉडी रहता है. तो उसका मन बुद्धि चित अहंकार भी वर्क करता है. ओके. तो फिजिकल बॉडी की जो जरूरत सिर्फ एक्शन के लिए है? यस. वो तो मशीन है, मशीन. इट इज अ नेचर मेड मशीन. वो मैंने कितनी बार कहा है, नॉट मैन मेड, नेचर मेड मशीन, बट द ह्यूमन ओनली इंस्ट्रूमेंटल और द निमित्त. तो स्पीच एंड एक्शन के लिए बॉडी है? तीनों के लिए, मन वचन काया तीनों के लिए. बॉडी तो चाहिए, एक्शन के फॉर्म में लाने के लिए बॉडी चाहिए. और इसीलिए मैंने कहा जब प्रेत आत्मा होता है विद इलेक्ट्रिकल बॉडी तो भी उनको नई बॉडी होती है तो भी भूख लगती है, प्यास लगती है, थकान लगती है, नींद लगती है. इसीलिए उसको इसको डिसॉल्व करने के लिए दे रिक्वायर द फिजिकल बॉडी. वो मैंने बताया है. यस और नो? यस यस. तो इसमें साइंस में कहां गलती है?
मुझे इलेक्ट्रिकल बॉडी में थोड़ा ऐसे सोचते हो ऐसा लगा, इलेक्ट्रिकल बॉडी में ही सब कुछ डिस्चार्ज वाला सब इलेक्ट्रिकल बॉडी में ही आएगा कि उसमें दो पार्ट है। पावर पावर, मगर काइंड ऑफ पावर का मतलब होता है कॉज। पावर इज अ कॉमन फैक्टर, मगर काइंड ऑफ पावर का मतलब होता है कौन से पावर से वो डिस्चार्ज होगा, वो आपका कॉज है। पावर इज अ कॉमन फैक्टर, जैसे मनी इज अ पावर, मगर मनी से आपका क्या यूज करना है वो आपका कॉज हो गया। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो इलेक्ट्रिकल मतलब इज अ पावर, कॉमन पावर, बट यूटिलाइज हैज पर योर कॉज। एंड विदाउट पावर यू कैनॉट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते। राइट और रॉन्ग? राइट राइट। बॉडी है मगर पावर नहीं तो क्या करोगे? सही है। तो मन वचन काया की तीनों बैटरी जब एग्जॉस्ट हो जाती है तो बॉडी साइलेंट हो जाती है। नो ब्रीथ, नो रोल। बॉडी इज देयर बट देयर इज नो रोल एंड नो एनी काइंड ऑफ पावर, सो द बॉडी इज लाइक अ डेड बॉडी। करेक्ट है कि नहीं? सही है स्वामी जी। हमारी हमारे मोबाइल के अंदर जो बैटरी आती है, अभी वो बैटरी तो चार्जेबल है, मगर अगर वो बैटरी लाइक अ पेंसिल सेल, पेंसिल सेल समझते हैं ना, अगर पेंसिल सेल पेंसिल सेल से अगर हम टॉर्च को चलाते हैं तो इसके प्रकाश में जो कुछ भी दिखना है वो देख सकते हैं हम, मगर उसके पेंसिल सेल का पावर खत्म हो गया तो खत्म हो गया तो बैटरी क्या करेगी? कुछ काम नहीं कर पाएगी। तो वो टॉर्च क्या करेगी? कुछ काम नहीं कर पाएगी। सेम अवर बॉडी, तो पावर पेंसिल सेल में है या टॉर्च में है? प्रकाश देने का पावर किस में है? वो बैटरी में, पेंसिल सेल में। हाँ, और जो टॉर्च है वो मैकेनिज्म है पावर को सप्लाई करने का, यूज करने का मैकेनिज्म। वो पावर लाइट के फॉर्म में भी काम कर सकता है, मोशन के फॉर्म में भी काम कर सकता है, कोई भी एंगल से काम करता है। वो पावर हीटिंग भी दे सकता है, कूलिंग भी दे सकता है, जोड़ भी सकता है, काट भी सकता है। वो आपके कर्मों के ऊपर आधारित है, मगर पावर इज अ कॉमन फैक्टर एंड विदाउट पावर कोई भी एक्शन संभव नहीं है। करेक्ट? सही है समझी। तो डेड बॉडी का मतलब नो पावर, नो एनी काइंड ऑफ पावर। तो ये पावर से जो भी चलता है उससे हम अलग रह सकते हैं? पावर को हम ऐसे देख सकते हैं कि पावर से चल रहा है, ये पावर का ही सब चार्ज किया हुआ डिस्चार्ज हो रहा है, तो हम उसको ऐसे भी अलग देख सकते हैं स्वामी जी? अभी 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 गवर्नमेंट ने हमारे गुजरात गवर्नमेंट की बात करता हूँ, आपके यहाँ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, हमारे गुजरात गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि जो व्यक्ति टू व्हीलर का स्कूटर, टू व्हीलर बैटरी वाला खरीदेंगे विदाउट एनी अदर फ्यूल्स देन बैटरी, वो खरीदेंगे उसके ऊपर उसको डिस्काउंट देंगे, क्योंकि वो पॉल्यूशन भी कम करता है और पेट्रोल का इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? तो वो बैटरी है, अगर वो बैटरी का जो चार्जिंग करने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो गई तो टू व्हीलर क्या करेगा? नया खरीदना पड़ेगा। That's it. ऐसे तो यहाँ तो पावर खरीदते हैं, यहाँ नई बॉडी मिलती है। That's it. वन बैटरी कंज्यूम हो गई और दूसरी बैटरी चार्ज हो गई तो आपको बॉडी भी नया मिलेगा। यहाँ बैटरी चेंज करते हैं, यहाँ बॉडी चेंज हो जाती है। हम बैटरी में, बैटरी में ये,
हम बैटरी में एकाकार हो जाते हैं जो भी वो बैटरी से काम हो रहा है उसमें एकाकार हो जाते हैं। मेरे को ये समझाने में तकलीफ नहीं है कि बैटरी से चलता हुआ स्कूटर और इससे हम अलग है वो समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बैठने वाला और बैटरी वाला स्कूटर वो दोनों अलग है, वो समझाने में दिक्कत नहीं होनी, समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सही है, समझ। तो बैटरी से चलता हुआ मन वचन काया रूपी, मन वचन काया रूपी मशीन और मैं मशीन से अलग हूँ वो समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करेक्ट है कि नहीं? सही है स्वामी जी। नहीं समझ में आया कि नहीं? हाँ समझ में आ गया स्वामी। जय सच्चिदानंद। ओके ओके जय सच्चिदानंद। यस नेक्स्ट। यस कमलेश भाई। सही जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। સ્વામીજી આપણે ઘાતી કર્મ માટેનો પ્રશ્ન છે સ્વામીજી, હિન્દી હિન્દી, હા સોરી 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 સર, હા સબ ઘાતી કર્મ કે બારે મે હૈ સ્વામીજી, અપના હમ લોગ એક સિદ્ધાંત જો પકડા હૈ ઘાતી કર્મ કે સાથ હંમેશા અઘાતી કર્મ કા બીજ પડતા હી હૈ હોતા હી હૈ और स्वामी जी अघाती कर्म खाली एक भाव के लिए रहता है, वो भी एक अपना दूसरा सिद्धांत है। तो स्वामी जी अपना ये सब घाती कर्म जो है उसके साथ बहुत से लेयर अटैच हुए हैं और जब भी वो घाती कर्म खत्म होता है तभी वो लेयर वो उसके साथ जुड़ा हुआ अघाती कर्म खत्म होता है। तो स्वामी जी ये थोड़ा प्रश्न आता है कि जो घाती कर्म के साथ जो अघाती कर्म जुड़ा हुआ है और घाती कर्म जो इतना बहुत जूना पुराना है तो उसके साथ अघाती कर्म जो है वो स्वामी जी वो उसका कहाँ पे रहता है, उसको कैसे आता है, हम लोग उसको डिस्चार्ज कैसे करते हैं, वो थोड़ा अपना कंफ्यूजन और समझ में नहीं आता है स्वामी जी। एग्जाम्पल दू मैं स्वामी जी कि मान लो कि अपना जिस 40% अपना घाती कर्म बाकी है सब मिला के, घाती कर्म माने ज्ञानावरण दशनावरणी वो सब जो है उसके साथ मान लो कि अपने एक डेढ़ लाख का अपना अघाती कर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो स्वामी जी वो अघाती कर्म जो है वो अपना जो एक ही भाव में आता है के स्वामी जी अपना दिस एक से ज्यादा भाव में आता है, ऐसा तो अपना सिद्धांत के हिसाब से एक ही भाव में आना चाहिए, लेकिन अपना घाती कर्म जो बाकी रहता है स्वामी जी तो उसके साथ अब अघाती कर्म जो जुड़े हुए हैं तो वो थोड़ा समझ में आता है वो कैसे आता है, एक ही भाव में आता है कि उसके बाद के भाव में भी अपने उसके साथ जुड़ा हुआ है वो भी आ जाता है स्वामी जी, वो कंफ्यूजन है स्वामी जी, वो थोड़ा समझ में नहीं आता है। ओके अभी मैं उत्तर देने की शुरुआत करता हूँ, ठीक है? ओके ओके स्वामी राइट। घाती कर्म वो कैपिटल है, अघाती कर्म वो रिजल्ट है। हाँ बराबर। और रिजल्ट और कैपिटल, कैपिटल से हर अवतार अघाती कर्म बनते रहेंगे, आपको भुगतान करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कैपिटल। और जहां तक घाती कर्म की कैपिटल खत्म नहीं करोगे इज इक्वल टू इग्नोरेंसिंग, वहां तक कर्म बनना और कर्म का भुगतान करना वो मैकेनिकल प्रक्रिया है। बराबर है। और इसीलिए हमने फोकस किया कि आप अज्ञान को मिटाओ और अज्ञान इज इक्वल टू मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोनी कर्म। ओके तो इसके आगे आपका प्रश्न था कि ये घाती कर्म एक अवतार का है, वो तो अनंत अवतार का है, वो मैंने पहले भी बोल दिया है। वो तो घाती कर्म ही वन बर्थ का, घाती कर्म तो अनंत अवतार लेट है वो भी बता दिया है। नहीं वो तो बरोबर है स्वामी, अनंत अवतार का ही है वो, बरोबर है। तो नहीं नहीं स्वामी जी, तो यहाँ पे वो तो पहले क्लियर कर दिया है सब बात। नहीं वो तो क्लियर है स्वामी जी, उसमें कोई नहीं है।
लेकिन मेरा यहाँ पे रहता है तो इसका मतलब है, मान लो मैंने एग्जांपल दिया स्वामी जी के 40-40% अज्ञान बाकी है, उसके साथ में 1.5 से 2 लाख का अपना लेयर, उसके साथ अपना जो अघाती कर्म जुड़ा हुआ है, वो 1.5 से 2 लाख का जो अघाती कर्म जुड़ा है वो अपना नेक्स्ट भाव में उसका पूरा हो जाता है स्वामी जी, मेरा कहना वो है, मेरा प्रश्न वो है, टू बी स्पेसिफिक। वो तो मैंने कहा है ना कि 99.99% नेक्स्ट बर्थ में खत्म हो जाते हैं, कई हाँ। प्रकार के कर्म ऐसे होते हैं वो निकाचित इनका सिचुएशन निकाचित नहीं सिचुएशन नहीं होती है तो वो कर्म पेंडिंग रहता है, निकाचित की बात नहीं है। ओके ओके, जैसे मेरे को भारत देश का राजा बनना है हाँ। तो मेरा कर्म पेंडिंग रहेगा, नेक्स्ट बर्थ में राजा नहीं बन सकता हूँ बिकॉज ऑफ नॉट सिचुएशन। राइट, बराबर, संयोग के हिसाब से। ओके, ऐसे बहुत सारे कर्म ऐसे है जो बिना बिना सर्कमटांसिस उसकी भुगतान नहीं आती है। okay. जैसे भगवान महावीर ने 27 साल पहले मद किया था कि मेरा कुल कितना महान है, मेरे दादा प्रथम तीर्थंकर, मेरे पिताजी प्रथम चक्रवर्ती और मैं इस चौबीसी का अंतिम तीर्थंकर, इसीलिए मेरा कुल कितना महान है, ये उन्होंने कर्मचार्य किया मगर उसकी भुगतान 27 साल के बाद तीर्थंकर के भव में आई, क्योंकि वो भुगतान तीर्थंकर के भव में ही हो सकती है और कोई भव में उसको भुगतान नहीं कहते हैं। बराबर है स्वामी जी, राइट। तो दे रिक्वायर द सिचुएशन टू रिजॉल्व और टू डिसॉल्व योर कर्म। आपके कर्मों की भुगतान के लिए संजोग तो चाहिए, वो नहीं है। अगर मनुष्य भव में आए तीर्थंकर नहीं है तो भुगतान नहीं रहेगी, देवलोक में जाएंगे भुगतान नहीं रहेगी, नरक लोक में जाएंगे भुगतान नहीं रहेगी, पशु योनि में जाएंगे भुगतान नहीं रहेगी, तीर्थंकरों बनोगे तभी रहेगी, क्योंकि तीर्थंकर नियम से क्षत्रियानी के कुक्ष पेट में पैदा होता है मगर वो ब्राह्मणी के कुक्ष में पैदा हुआ क्योंकि वो कर्मों की भुगतान थी। बराबर है, और कोई वर्ष में वो ब्राह्मणी के कुक्ष में पैदा होते तो वो भुगतान नहीं कहेंगे इसको, वो नॉर्मल बर्थ कहेंगे। बराबर है स्वामी, राइट राइट, ओके। तो स्वामी जी हम लोग ऐसा मान ले के कि अपना जब भी वो रहता है एक अपना भव पूरा हो जाता है तो पूरा अपना खाली घाती कर्म ही बाकी रहता है, उसके साथ जुड़ा हुआ अघाती कर्म कोई भी बाकी नहीं रहता है एक्सेप्ट वो भव का जो बना है वो अघाती कर्म हम लोग जो बना है वही बाकी रहता है, बाकी नहीं, अपना नहीं, कोई भी अघाती कर्म बाकी रहता है, वो अपना वो प्रिंसिपल हम लोग वो समझ ले। ऐसा ऐसा एक्सेप्ट आपने अभी जो आपने एक्सेप्शन बताया उसका तो, उसके बाद उसके अलावा नहीं नहीं मैं बताऊ आपको, ऐसा ऐसा सिद्धांत से इतना शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज कभी कोई प्रश्न करेंगे तो फिर आप पजल में आ जाएंगे, तो ऐसा okay. नहीं बोलना चाहिए, समझो पहले सिद्धांत। अगर मैंने इस मनुष्य भाव के अंदर पांच बर्थ का कर्म चार्ज किया है तो पांचों बर्थ को खत्म करके पांचवा भाव मेरा मनुष्य भाव में आएगा तो सभी कर्म खत्म हो गए, कौन से जो मैंने अगले मनुष्य भाव में चार्ज किया था वो पांचों भाव के अंदर पांचवा भाव मनुष्य में आके खत्म हो गया, अभी मनुष्य भाव में मैं और कर्म चार्ज करूंगा फिर मेरी साइकिल चालू होगा, तो मैं ये कहूंगा कि मनुष्य भूमि में मैंने सिर्फ एक ही कर्म किया है, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूं। तो ये विजन भी हमारे अंदर होना चाहिए अगर आप कोई बात को समझना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं। नहीं नहीं वो बराबर है स्वामी जी, अपना दूसरा भाव का भी रहता है तो भी वो भाव का भी नहीं, तो फिर आपको विड्रो करना पड़ेगा, आप फिर कहोगे एक ही कर्म का एक ही बर्थ का कर्म चार्ज करोगे तो फिर पजल हो जाएगा, फिर आपको वो बात विड्रॉ करना पड़ेगा। व्हेन यू प्रेजेंट एज अ प्रिंसिपल तो फिर आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। नहीं बराबर है स्वामी, एक एक भाव का माने अपना जिस ये हम लोग मैं खाली अपना मनुष्य भाव की बात कर रहा था स्वामी जी, वो ही कॉन्टेक्स्ट में बता रहा आपको कर, आप इन्वर्टेड कोमा में आपके दिमाग में क्या है वो सुनने वाला नहीं समझता है ना, किताब तो ऐसे हाँ, बनी है कि दादा भगवान के मन में क्या था वो लिखा और जो लिखा लोगों ने वो पढ़ा है तो वही मानेंगे ना। बराबर राइट स्वामी जी, वो बराबर है, वो वहां पे अपना वो करेक्शन कर लेंगे, अभी प्रिंसिपल ने अपना वो मेरे दिमाग में था वो कौन मानेगा, आपके दिमाग में क्या है वो कौन मानेगा।
बराबर है स्वामी जी, राइट। आप जो बोलेंगे वही तो लोग सुनेंगे। राइट। तो आपकी बोलने में गलती होगी तो सुनने में तो होगी। डेफिनेटली स्वामी जी, डेफिनेटली डेफिनेटली। वो तो उल्टा मेरे दिमाग में ये था, मगर दैट इज एस नहीं, बरोबर। वो तो अपने स्वामी ऐसा ही बोलना ना, जो कुएं में वही हवाड़ा में जाएंगे, जो बोलेगा वही वही। तो मैंने मेरा आपको ये डिस्कशन करने का मतलब बताया, एक मिनट मेरा डिस्कशन करने का इतना मतलब क्यों है, क्योंकि मैं आप सबको साइंटिस्ट बनाना चाहता हूं, मैं आपको टीचर बनाना नहीं चाहता। टीचर का मतलब मैं तो मैंने जो बोला वही आपको नहीं बोलना है, मगर आपका विजन चौगरदम से खुला होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रश्न करे तो ये पूरा विजन एट ए टाइम आपके पास होना चाहिए और प्रश्न के मुताबिक आपको उत्तर देना चाहिए, एंड डोंट क्रिएट द कंफ्यूजन। नहीं नहीं, वो वही, क्योंकि स्वामी जी इसमें जो है ना कंफ्यूजन रहता था, इसलिए क्योंकि अपना जो था, क्योंकि अपना एक घाती कर्म बाकी रहता है, भव का बाकी रहता है, अपना अघाती कर्म उसके साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, तो अघाती कर्म एक भव में पूरा हो जाता है, तो बाकी का अघाती कर्म कहाँ जाता है वो अपना थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि घाती कर्म के साथ हमेशा अपना अघाती कर्म जुड़ा हुआ ही रहता है, तो इसलिए कन्फ्यूजन रहता है। तो स्वामी जी अपना इसलिए ये प्रश्न मेरे उसमें से उठा, क्योंकि एक ने जो बोला था कि ऐसा रहता है तो उसके साथ अघाती, आपके सिद्धांत के हिसाब से पूरा है, तो ये सब घाती कर्म के साथ अघाती कर्म जुड़े हुए तो वो कहाँ गए, घाती कर्म बाकी है लेकिन तो उसके साथ अघाती कर्म भी बाकी होना चाहिए ना, तो कहाँ पे गए, तो वो सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला? नहीं नहीं, अभी मिला ना स्वामी जी अपने, ये कन्फ्यूजन मतलब सॉल्यूशन मिल गया कि नहीं मिला? हाँ मिला स्वामी जी। ओके स्वामी, फाइन फाइन, ओके स्वामी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी लास्ट क्वेश्चन प्लीज, किसको लास्ट, कौन है? जय सच्चिदानंद स्वामी। हेलो हेलो, जय सच्चिदानंद, यस प्लीज। तो आज मारो जन्मदिवस छे, तो तुम्हारी पास आशीर्वाद लेवा माटे मैं वैसे मुझमें भी विराजमान है आपका स्वरूप, वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, दृष्टि संबंधी जो कुछ भी दोष किए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियां न करो, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे।